हम टीवी में हम फिल्मों में यही देखते आए हैं कि बस लड़का लड़की मिल रहे हैं मैं दीवानी हूँ दीवाना हूँ है ना हम पागल हैं तुम पागल हो मतलब वो बड़ा गाने वाने गा रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो ये क्या किस लिए कि भाई वो क्या कर सके शारीरिक संबंध स्थापित कर सके और बच्चा पैदा कर सके इसलिए हो रहा है वो सब कुछ मेडिकल पे जाओ तो पूरी ऐसे दीवार ऐसे खोलो गेट मतलब उनके जाते ही बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए मिलेंगे ये पूरा ऐसा कौन 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 ऐसे रखे हुए मिलेंगे वहां पे और उस उसपे ऐसी तस्वीरें होती है कि अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ में मतलब मैंने तो ऐसा देखा है मेरे घर पे की मेरे पापा बैठे टीवी चल रही है और उस उसपे ना अचानक से कोई आ, हमारे जो एक बहुत ही फेमस मैं नाम नामी लूंगा उनका कोई एडवर्टाइज एडवर्टाइजा के लिए फिल्म स्टार जो है तो पापा तुरंत टीवी तो बंद कर देते हैं हैं <laughs> या फिर चैनल चेंज कर देते हैं कि वो ऐसा <laughs> कि ये लगाओ क्रीम और फिर उससे क्या होगा कि यहाँ पे कालापन कम हो जाएगा और ये है तो सबके होते हैं शेव करो फिर क्रीम लगाओ वो ऐसा टीवी में ऐड डालते हैं छोड़ो तुम उन सबको हेलो एवरीवन नमस्ते क्या चाल है बढ़िया से होना सारे के सारे अपन वन शॉट्स पे वन शॉट वन शॉट्स पे वन शॉट्स धमा धम दम, धमा धम दम, धमा धम दम किए जा रहे हैं तो उसी में आज की इस वन शॉट सीरीज में जो हमारा चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा डिमांड वाला चैप्टर है सर ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसका वन शॉट बहुत ज़रूरी है तो हाँ ठीक है भाई साहब जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय आठ जो एट्थ चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सरल शब्दों में बोलूँ तो निखिल सर भी मेरे को पूछ रहे थे इतने मासूम बच्चे की फोटो लगा दिए तो मैं कहा सर टॉपिक यही तो है ना कि ये मासूम बच्चे इस तरह के कैसे पैदा होते हैं तो ये जानना चाहते हैं हम लोग तो उसके लिए फिर चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन हालांकि खूंखार बच्चे भी पैदा होते हैं ऐसा मैंने सर को बोला था <laughs> ठीक है चलो तो कोई बात नहीं अपन सारी बातों को किनारे रखते हुए बढ़ते हैं अपन आगे अपना चैप्टर शुरू करते हैं और जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को बहुत छोटा करने की और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमसे पूछा जाता है ना वही केवल आपके सामने लिखने की लेकिन एक बात ध्यान देना काफी सारी चीजें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हैं ताकि छोटे से में ही ये अपना हो जाए लेकिन आपको उन सेंटेंसेस को पूरा करना होगा और थोड़ा सा अपने स्व विवेक को यूज में लेते हुए उन सेंटेंसेस को पूरा करना होगा ठीक है इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी अब है ना एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं मतलब बनना शुरू हो गए हैं हम बना रहे हैं उसको बहुत ही जोरों शोरों से तो आपने अगर अभी तक एप्लीकेशन लर्न इन शेयर की डाउनलोड नहीं कर रखी है तो आपको कर लेनी चाहिए और अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो ना तो तो देखो फिर पता ही नहीं चलेगा कि अगली क्लास कब आनी है तो लर्न इन शेयर के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के जो एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो दिक्कत परेशानी समस्या होती है ना कि सर कैसे होगा क्या होगा तो आप फ़ोन कर सकते हो अपने दो फ़ोन नंबर हैं है ना दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए एंड शेयर के दोनों पर आप किसी पर भी कॉल कर सकते हो और अगर कॉल का उत्तर नहीं मिलता थोड़ी सी प्रतीक्षा कर सकते हो अपने आप आपके पास में वापस कॉल आ जाएगा सुबह दो बजे मतलब रात के दो बजे फोन मत करना कोई नहीं उठाएगा सब सही समय पर फोन करना तो आज हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ना जनन की परिभाषा नहीं देखेंगे भैया कोई नहीं पूछता एग्जाम में और परिभाषा आया तो तुमको पता है कि जिससे क्या करते हैं जीव अपनी नई संततियों को उत्पन्न करते हैं और उनकी प्रजाति जो है वो निरंतर बनी रहती है ऐसा अपने आप मन से आप लिख सकते हो दो पॉइंट है तो सीधा अपन चल रहे हैं जनन के प्रकार पर कितने प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है हमारे चारों तरफ भैया दो प्रकार का तो पहला कौन सा है हमारे पास में अलैंगिक जनन बोले तो ए रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं इसको अपन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अच्छा क्या शॉर्टकट में परिभाषा क्या होगी इसकी बोले भैया जिसमें ना एक जीव क्या करता है आनुवांशिक रूप से समान बच्चे पैदा करता है एक ही है खुद से एक बच्चा पैदा कर लिया अकेले ने भाई साहब तालियां इंसान नहीं करता ऐसा दूसरे करते हैं अच्छा कौन करता है तो हमने उदाहरण दे दिया ना जीवाणु और पादप करते हैं भाई साहब बात खत्म हो गई ठीक है सिंपल जीवाणु खूब सारे होते हैं क्या जीवाणु कोई एक तरह का नहीं खूब सारे अलग अलग जीवाणु हैं जो खुद से ही एक ही जीवाणु नए बच्चे पैदा करता है अभी देखेंगे टेंशन मत लो तो सिंपल में परिभाषा ऐसे लिख सकते हो दूसरा क्या है हमारे पास में प्रकार लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन में क्या होगा जहां पर भैया दो जीवों की जरूरत पड़ती है हमको एक संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की जब भागीदारी होती है तो नया बच्चा पैदा होता है जैसे इंसानों में होता है गाय बैलों में होता है पशु पक्षियों में होता है खूब सारे पेड़ों पादपों में भी होता है टेंशन वाली बात नहीं है और यही चीज यहां पर भी है अलैंगिक जनन भी काफी सारे पादपों में होता है हमें नहीं समझ आता क्योंकि हम इतने अवेयर नहीं है उन सब बातों को लेकर के लेकिन पादपों में हमें देखने को मिलता है अलैंगिक जनन भी होता है काफियों में और काफियों में लैंगिक भी होता है दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे टेंशन मत लो तो आज आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अलैंगिक जनन को थोड़ा सा विस्तार से देख रहे हैं हालांकि इसको विस्तार से ज्यादा दे नहीं रखा है शॉर्ट शॉर्ट में तीन चार टॉपिक्स दे रखे हैं किताब में तो सबसे पहला है हमारे पास में एक कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन तो पहले अपने दिमाग में एक बात डाल लो इस दुनिया में जो भी जीव हमको दिख रहे हैं ना वो दो तरह के हैं कुछ तो ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका के बने हुए हैं जैसे बचपन से अपना बचपन का दोस्त जो रहा है अमीबा अमीबा एक कोशिका इतनी छोटी है वो आंख से हमें नहीं दिखेगी अमीबा हो सकता है कि जो पानी है तुम्हारे आसपास में थोड़ा सा भी गंदा सा या तुम पी रहे हो तुम्हारे टॉयलेट का जो पानी है उसमें हो दिखता नहीं आंख से बहुत छोटा होता है तो क्यों क्यों नहीं दिखता क्योंकि वो एक कोशिका का बना हुआ है और दूसरे जीव कौन से हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं जैसे हम हैं हम तो अरबों कोशिकाओं के बने हुए हैं तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ तो अलैंगिक जनन रहे हैं जिसमें एक ही जना बच्चा पैदा कर देता है एक ही जीव बच्चा पैदा कर देता है लेकिन पॉइंट क्या है हम किस में पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन एक कोशिका वाले जीवों में पढ़ रहे हैं बहु कोशिका वाले में बात पढ़ेंगे तो सबसे पहला उदाहरण जो हमें दे रखा है इसका प्रकार जो दे रखा है अलैंगिक जनन का वो है विखंडन या इसको बोलते हैं फिजन फिजन का मतलब होता है टूटना तो ऐसी ही एक विधि हो गई जनन की हमारे पास में जब एक जीव टूटता है और एक नया जीव बना लेता है या फिर काफी सारे नए जीव बना लेते हैं कहने का मतलब ये ही हम लोग क्या बोलते हैं विखंडन बोलते हैं और विखंडन जो है ना ये भी हमारे पास में कुछ एक प्रकार का होता है वो अभी हम लोग देख रहे हैं तो मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं में बहुत ज्यादा समानता होती है इसमें जो भी

नाम से क्लियर हो रहा है कि वो हमारे पास में विखंडन जिसमें क्या हो रहा है एक जीव एकल जीव टूट करके दो जीवों का निर्माण कर रहा है एक से दो <laughs> मैंने शॉर्टकट में लिख दिया एक से दो अब एग्जाम में तुम मत लिख क्या कि एक से दो वहां पूरा लिख कर क्या ना? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव टूट करके दो जीवों का निर्माण करता है दो संततियों का निर्माण करता है तो उसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं ऐसा तुमको लिख कर क्या है एग्जाम में ठीक है अच्छा इसका उदाहरण क्या है हमारे पास में खूब सारे हमारे पास में जीवाणु है प्रोटोजोवा है अच्छा मैं उदाहरण के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँ फटाफट से मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊँ द्विखंडन में तो भैया ये हमारे पास में है मान लो कोई भी जीवाणु मान सकते हो या मान लो हमारे पास में अमीबा तो ये इसको तोड़ रहे हैं अपन तो ये क्या करेगा ऐसे मान लो ये कट के और हमें देखने को मिलेगा एक यहाँ बन गया छोटा कोशिका ऐसे और एक यहाँ बन गई इससे

तो कोई फर्क नहीं है वो दो जीव बनते बनते लेकिन क्या होता है हमारे पास में कुछ एक जीव होता है, तो है, है? विशेष तल में होता है समझने की कोशिश करना कैसे ऐसा होता है बहुत छोटा होता है आंख से नहीं दिखेगा देखने की कोशिश मत करना इसमें ना एक पूंछ होती है कुछ ऐसे तो अब होता क्या है कि ना विभाजन आप खुद सोच करके देखो अगर मान लो यहां से हो जाता विभाजन तो झगड़ा हो जाएगा दोनों हिस्सों में दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा बोलेंगे यार मेरे को तो ये पूंछ मिली नहीं दूसरा वाला हिस्सा बोलेगा मेरे को तो पूंछ ही नहीं मिली पूंछ नहीं होती विपलाई स्ट्रक्चर -like होता है जिसको फ्लैजम कहते हैं हम लोग यहां पर एक है ना तो वो नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या होता है कि जो विभाजन है ना वो ऐसे होता है एज इट इज आधा यहां चला जाए और आधा यहां चला जाए तो इसमें ऐसे 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 किसी भी तल में विभाजन नहीं हो सकता एक निश्चित तल में ही विभाजन होगा तो ये बस हमको ध्यान रखना है लेस्मानिया इस जीव को बोलते हैं हम लोग तो लेस्मानिया जी जैसे जीव में जो विभाजन है वो एक निश्चित तल में ही होता है मैं ज्यादा डिटेल्ड डायग्राम नहीं बना रहा बस आप चाहो तो अब जैसे इसके आगे अगर बना करके दिखाना है आपको तो ऐसे आप है ना दो जीव बना करके दिखा सकते हो मान लो ऐसे है एक और फिर एक और आप यहां पर जो है बना करके दिखा सकते हो गॉड ऐसा हम लोग बना करके दिखा सकते हैं बट ठीक है समझ गए इससे दो बन गए हाँ पे बढ़ रहे हैं आगे तो जनन में में के बाद में, जो हमारे बहु हम अच्छा, बहु बहुत सारे टुकड़े होंगे ना सिंपल है उसको बोलेंगे एक कोशिका टूट करके खूब सारी छोटी छोड़ छोटी कोशिकाओं में हो तो जाएगी कैसे देखो समझो यहां पर समझो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका एक से अनेक संतति कोशिका बनेंगी इसमें और उदाहरण इसका जो है ना बहुत फेमस है मलेरिया का परजीवी जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं जैसे ये मान लो हमारे पास में सिस्ट है या ये जिसको हम लोग वो समझो उसकी बाहर की दीवार है तो अभी ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है मच्छर जब हमको काटती है ना मादा एनाफिलीज तो खून में एक ऐसा परजीवी जो है ये हमारे पास में प्लाज्मोडियम इसको डाल के चली जाती है

ठीक है समझ रहे हो आप मेरी बात तो ये इतनी सारी अंदर कोशिकाएं बनने लग जाती हैं छोटी 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 बिल्कुल तो ये किसका उदाहरण हो गया हमारे पास में प्लाज्मोडियम में प्लेज्मोडियम में बहु खंडन का उदाहरण हो गया अब होता क्या है थोड़े समय बाद हमारे खून में कुछ दिनों बाद में क्या होगा जैसे इनको लगेगा कि हाँ अब हम सब तैयार हैं आक्रमण करने के लिए तो ये जो बाहर की दीवार होती है ना ये टूट जाती है थैली जो है वो खुल जाती है और ये निकल पड़ते हैं खून में आक्रमण करने के लिए और फिर वहां पे लड़ाई चालू हो जाती है हमारे शरीर के ब्लड के ब्लड सेल्स बीच बीच में और इनके बीच में और और इनके वो युद्ध चलता रहता है जब तक हम मलेरिया की दवाई नहीं ले लेते और इनको मार नहीं देते ठीक है फिर हम ठीक हो जाते हैं तो ये तो था भूखंडन फिर इसके बाद में क्या है हमारे पास में नेक्स्ट एज मुकुलन या बडिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं अच्छा ये किसमें होती है तो एक हमारे पास में परजीवी

रोटी वोटी नहीं फूलती केक वेक फूलता है तो इसको हम लोग वहां पे भी काम में लेते हैं है ना पाउडर मिलता है इसका बाहर बाजार में पाउडर के नाम से चलो छोड़ो इंटरेस्टिंग बातें मैंने डिटेल्ड बात में वैसे भी बता रखी हैं तो क्या कह रहे हैं मुकुल उभर कर कोशिका के रूप में उगते हैं और अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं क्या मतलब है समझने की कोशिश कर रहे हैं जो लाओगे ना लिक्विड ईस्ट पाउडर घर पे उसको पानी में डालोगे फिर उसको अगर थोड़ा सा लेकर के उसमें देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो क्या देखने को मिलेगा आपको जैसे मान लो ये कोई ईस्ट ठीक है ये उसका एक हमारे पास में कोई परमाणु परमाणु की कोशिका है अभी परमाणु मैं केमिस्ट्री में कोशिका है तो अभी एक कोशिका में तो लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं तो परमाणु के पास छोड़ो तो यहाँ पे क्या होगा कि ना छोटा सा ना ये हमें देखने को मिलेगा मैं इसकी एक दो स्टेजेस बना देता हूँ तो इसमें हमें जब विभाजन होगा ना तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये केंद्रक जो है ना ये भी विभाजित हो रहा है मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करना और ये मान लो ऐसे नया जीव इसमें से निकल रहा है फिर हमें देखने को मिलेगा कि ये तो अलग हो ही गया है ऑलमोस्ट और यहाँ पे ये जीव भी ऐसे इसके ऊपर उगने लग गया है और सिर्फ इतना ही नहीं फिर इसके ऊपर और जीव उग जाता है फिर इसके ऊपर और उग जाता है इसके ऊपर और ये सारे मुकुल बनने लग जाते हैं थोड़े समय बाद क्या होता है कि ना ये जो मुकुल है ये जो बर्ड है ये इससे अलग हो जाएगा और ये खुद अकेला होके वृद्धि करने लग जाएगा और असल में ये जो चीज होती है ना इसी को ही हम लोग बर्ड या मुकुल बोलते हैं बी यू डी बर्ड या फिर इसको मुकुल बोलते ऐसा याद रखना तो मुकुलन मतलब क्या जिसमें किसी जीव के सतह पे शरीर पे मुकुल बने बर्ड बने और वो वृद्धि करे और फिर वो अलग हो जाए उस जीव से और फिर अकेला होकर के वो वृद्धि करने लग जाए स्वतंत्र रूप से मम्मी पापा से जैसे सोचो हम में अगर मुकुलन होता तो कैसे होता यहां बच्चा उग रहा होता बोले अच्छा साहब अट्ठारह साल के जब हो जाते हैं हम लोग या बीस साल के इक्कीस साल के जब हो जाते हैं तो यहां से हाथ से एक बच्चा निकलने लग जाता है फिर वो बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा हमारे शरीर से अलग हो जाता है ऐसा नहीं होता अच्छी बात है हमारे नहीं तो पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेशन में उलझ जाते अपन ठीक है तो इसको मुकुल हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में बहु कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन तो ध्यान से समझना ये वाला हमारी किताब में ना डिफ्रेंशिएशन प्रॉपरली नहीं किया हुआ दोनों मिक्स करके समझा रखे तो हमने पहले एक कोशिका वाले जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है मतलब एक ही जना कैसे बच्चे पैदा करता है वो अब हम बहुत सारी कोशिका वाले जीवों में देख रहे हैं अलैंगिक जनन कैसे होता है अच्छा ठीक है तो यहां पे सबसे पहला कौन सा है हमारे पास में खंडन अब खंडन का मतलब वही होगा जो पीछे अभी विखंडन का मतलब था टूटना है ना खंडन का मतलब तो वही होता है तो अब कह रहे हैं जीव छोटे छोटे तंतुओं जैसे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं यहां पे अगर ऐसे देखोगे ना तो ये खंड वृद्धि करके नया जीव बना लेते हैं सेम ही हुआ सब कुछ अच्छा अगर हम समझना चाहें ड्रॉ करके देखना चाहें तो हमारे पास में एक जीव होता है स्पायरो गायरा नाम से स्पाइरो गायरा जायरा बोलो स्पायरो गायरा बोलो तो उसका उदाहरण हम लोग ले रहे हैं ये ना बहुत मतलब पतले पतले तंतु है ना पादप के पादप जगत का है पादप ही है मतलब ये एक तरह से लेकिन बहुत बारीक बारीक ऐसे धागे जैसा पादप के हिस्से है ये है ना स्पायरा ये समुद्र के किनारे वो पत्थर वत्थर पे नहीं हरी हरी ऐसे लाइंस दिखाई देती हैं उनमें होता है तो क्या है ये समझो मैं ग्रीन कलर से बनाया हूँ जानबूझ करके तो ये बहुत सरल इसका शारीरिक संरचना होती है तो अभी भी मतलब क्या होता है इसमें बहुत अलग तरह से उत्तक बने ही नहीं होते सारी कोशिकाएं जो होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती इसके साथ में अब एक कोशिका है इसके अंदर सारी चीजें जो एक कोशिका में हो सकती हैं सब कुछ होगा इसमें ऐसा मान लो आप लोग तो अब होता क्या है कि अगर ये दो तीन टुकड़ों में विभाजित हो जाता ना ये ऐसे जैसे मान लो यहां से अगर विभाजित हुआ तो क्या होगा यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि एक अलग जीव बन गया हमारे पास में और नीचे हमको देखने को मिलेगा कि एक अलग जीव बन गया हमारे पास में तो ये दोनों अलग अलग, अलग जीव बन जाएंगे और समस्या कोई नहीं आएगी दोनों अलग अलग, अलग जीव बन जाएंगे का का उदाहरण हमको याद रख लेना है उसमें देखो समस्या क्यों नहीं आ रही ये समझने की कोशिश करना समस्या इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सारी कोशिकाएं सरल कोशिकाएं हैं अब जैसे समझने की कोशिश करना हमारे शरीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई गर्दन काट देवे तो गर्दन से अलग नीचे शरीर उग जावे और नीचे से गर्दन अलग उग जावे ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि मान लो गर्दन के यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिका बना सकती है लेकिन वो मांस की कोशिका ऐसी बना सकती है वो दिमाग की कोशिका नहीं बना सकती समझ में आई मेरी बात तो कोशिकाओं का अलग अलग काम है हमारे शरीर में लेकिन ये जीव इसमें ज्यादा कोशिकाएं हैं भले पांच सौ कोशिकाएं होंगी इसमें पांच हजार होंगी लेकिन वो सारी कोशिकाएं सेम है अलग अलग काम नहीं है उनके पास में तो इसलिए यहां पर क्या हो पा रहा है

तो वापस से उग जाना इसका मतलब पुनरुद्भवन या पुनर्जन पुनर्जन मत सोचना है करण अर्जुन तुम याद करने लग जाओ रीजनरेशन फिर से आ जाना अच्छा ये कैसे होता है किसमें होता है तो सबसे पहली जो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है ना जो बहुत जरूरी है आपको समझना है मैंने लिखा है एक्स्ट्रा पावर है भाई साहब ये मतलब समझने की कोशिश करना जो जीव हम देखने वाले जैसे छिपकली में पूंछ वापस आ जाती है तो वो पुनर्जन का उदाहरण है लेकिन छिपकली बच्चे पैदा ऐसे नहीं करती समझ रहे हो इस तरह से बच्चे पैदा नहीं करती तो ये क्या है एक, एक एक्स्ट्रा पावर है जैसे स्टार फिश होती है तो स्टार फिश का हाथ काट दो तो क्या होता है उसकी हाथ नया आ जाता है और स्टार फिश भी खुद भी नहीं से बन जाती है वापस से है ना वो जो हाथ टुकड़ा टूटा था, था ना उससे भी नई स्टार फिश बन जाती है लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार फिश बच्चे ऐसे ही पैदा करती है इनके साथ क्या होता है अलग से पावर है भाई अगर गलती से कट गए ना कभी तो मरेंगे नहीं और बच्चे पैदा हो जाएंगे। समझ में, 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 में ये ये विधि नहीं है में। तो एक्स्ट्रा पावर तो मैंने यूं ही लिखा एग्जाम में मतलब के आना आप समझ जाना कहने का क्या मतलब है मेरा तो किस में होता है देखो हाइड्रा में प्लेनेरिया में होता है और पुनरुद्वन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है शरीर में कुछ एक विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं और ये उनके द्वारा होता है अच्छा समझना कैसे मैं उदाहरण बना के दिखाता हूं आपको किसका बना लेते हैं अपन इधर एग्जाम्पल हाइड्रा का भी बना सकते हैं और प्लेन एरिया का भी बना सकते हैं प्लेन एरिया का बना लेते हैं प्लेन एरिया कैसा होता है ऐसा कोई जीव होता है ये ठीक है और मान लो इसमें आंखों जैसा स्ट्रक्चर है वैसे वो कुछ और चीज होती है बट मान लेते हैं अपन एक बार के लिए तो अगर हम क्या करें इसको खटक खटक तीन टुकड़ों में विभाजित कर दें तो क्या होगा देखो ऊपर का टुकड़ा अलग बनेगा नीचे का टुकड़ा हमारे पास में अलग बनेंगे तीनों और तीनों अलग अलग जीव में बन जाएंगे मान लो ये भी भविष्य में एक जीव बन जाएगा नीचे वाला जो इतना सा था ये भी भविष्य में क्या है पूरा एक प्लेन एरिया बना लेगा और जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला ये इतना सा था ये भी क्या करेगा भविष्य में ऐसा ही एक

सिंपल सी बात है तो ये भी एक तरीका है चक्कू से नहीं कटता लेकिन हाँ प्लेन एरिया का मतलब ये नहीं कि ऐसे बच्चा पैदा करेगा वेट करेगा कि कोई चाकू से आके काटे तो मेरे बच्चे पैदा हो फिर पूरी जिंदगी में किसी ने काटे नहीं तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे इसके तो तो ये लैंगिक जनन करके भी मतलब दो साथ में मिलकर भी बच्चे पैदा कर सकते हैं अलग अलग होता है इनके पास में संभावना वैसे स्टारफिश का उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हो हाथ कट जाता है तो नहीं आ जाती है हाथ के नई स्टारफिश आ जाती वो लिख सकते हो आप नेक्स्ट क्या हमारे पास में मुकुलर या बर्डिंग ले रहे हैं देखो ये फिर मैं आपको याद दिला दू ये अपने डिटेल में तो पढ़े हैं लेकिन यहाँ पे अपन ना शॉर्ट में देख रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुकुलन या बर्डिंग अभी बर्डिंग अपन ने थोड़ी सी देर पहले ईस्ट में देखा था एक कोशिक जीव में अब हम लोग मुकुलन या बर्डिंग जो देख रहे हैं वो बहु कोशिका वाले जीवों में देख रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा कोशिका है अच्छा क्या उदाहरण है हमारे पास में यहाँ पे ये उदाहरण है हमारे पास में हाइड्रा अच्छा हाइड्रा अभी भी पीछे भी लिखा हुआ था तो हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है मतलब पुनरुद्भवन भी होता है और मुकुलन भी होता है दोनों होते हैं हाइड्रा में सी है इंटरेस्टिंग अब देखो कैसे बनाएंगे इसको तो हाइड्रा ऐसे होता है ये इसके बाल बाल निकले हुए रहते हैं ना ये ऐसा लगता है नहा के नहीं आया यूं ही घूम रहा है ये ये तो मेरे को लग रहा है कालिया नाग के फन बना रहा हूं मैं है कृष्णा लिटिल कृष्णा में दिखाते हैं ना कालिया नाग ये हाइड्रा है ठीक है हाइड्रा में क्या होगा मुकुल निकलेगा तो मुकुल मान लो यहां से निकला छोटा सा बच्चा कह रहा है पापा पापा मम्मी सॉरी <laughs> और ये फिर इससे बड़ा होकर के ये अलग हो जाएगा ऐसे ये मुकुल है हमारे पास में और ये मुकुल भविष्य में टूट करके प्रॉपर हाइड्रा जीव बन जाएगा जैसे जैसे इसको लगेगा ना कि हाँ मैं अकेला आप जिंदा रह सकता हूं पापा तो ये पापा से अलग हो जाएगा समझे छोटा सा मैंने हाइड्रिया यही मुकुल है यही बर्ड है और यही बड़ा होकर के अलग हो जाएगा तो जो हमने वैसे वहां समझा था यहां समझा है बस फर्क क्या है कि ये बहु कोशिका वाला जीव है और ये एक कोशिका वाला ही जीव था तो जीव के शरीर से मुकुल या उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है वृद्धि करता है, करता है, करता है, फिर छोटा जीव बन जाता है वो अलग हो जाता है है ना मुकुल पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है और उदाहरण है हमारे पास में हाइड्रा सिंपल था बढ़ सकते हैं आगे और इसी में इसी में ही अगर इसको काट भी दो ना तो भी पुनर्जनन हो जाता है इसमें इसके पास ये भी शक्ति होती है क्षमता इसमें होती है अब है हमारे पास में टॉपिक कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रपगेशन इसका क्या मतलब होता है पेड़ पौधों में भी हम अलैंगिक जनन करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रपगेशन अंग्रेजी में अच्छा कैसे होता है पहला पॉइंट कह रहे हैं पौधों के कुछ भाग जैसे जड़ तना पत्तियां नया पौधा उत्पन्न करते हैं कुछ एक भाग आपने वो एक पत, वो आता है ब्रायोफाइलम किताब में लिखा है लेकिन चटर पत्ता या पटरचत्ता सुना होगा आपने नेट पे सर्च कर लेना भले आप तो वो मेरे घर पे लगा हुआ है अब उसमें ना क्या खास बात है उसकी पत्तियों पे ना साइड साइड में छोटी छोटी सी और ऐसा लगता है कि पत्तियां खिल रही तो अगर उस हिस्से को लेकर के आप मिट्टी में डाल दो ना तो वो एक बीज का काम करती है और उससे नया पेड़ उग जाता है पौधा उग जाता है उसका नया ठीक है तो यही चीज क्या यहां समझने को मिल रही है तो कुछ एक हमारे पास में पौधों में ऐसे भाग होते हैं जो बीज की तरह काम करते हैं जिसको निकालो आपने एक ही पौधा है इसमें लैंगिक जनन भी नहीं हुआ उसी पौधे की पत्ती ली आपने जमीन में डाली नया पौधा हो गया तो का एक प्रवर्धन हो गया तो क्या कह रहे हैं कुछ एक भाग जैसे क्या क्या जड़ हो गई हु? और क्या हो गया तना हो गया तने का कोई टुकड़ा भी ऐसा काम कर सकता है और साथ ही साथ में पत्तियां भी ऐसा काम कर सकती हैं और इनको इस भाग को हम लोग प्रवर्ध बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रवर्ध जिससे हम नया पौधा उगा सकते हैं उस भाग को जैसे जैसे हम लोग मनी प्लांट में करते हैं टहनी काट लेते हैं कचक और फिर उसको पानी की बोतल में डाल करके रखते हैं तो उसमें से जड़ आ जाती नहीं करते ना अपन मनी प्लांट के लिए तो किया ही होगा आप सबने तो ये क्या है हमारे पास में कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है अच्छा, और समझते हैं हम देखो थोड़ा सा कि इसमें है है ना अच्छा ठीक हमें बुक में नहीं बता रखा मैं आप लोगों को बता देता हूं अपने आप पत्ती का कोई टुकड़ा गिरा जमीन में मिट्टी लगी पानी आया उग गया पौधा प्राकृतिक एक होता है हम करें हम उसमें कीड़ा करके उसको काटें और कुछ बांधे और कुछ करें कुछ करें हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है कृत्रिम तो एक तो हो गया प्राकृतिक नेचुरल और एक हो गया कृत्रिम या जो हम लोग कर रहे हैं समझ में आई बात तो हम लोग हमें बुक में जो बता रखे हैं ना तरीके दो तरीके वो कृत्रिम है जो हम लोग करते हैं तो उसमें से पहला तरीका है हमारे पास में कतरन या कटिंग्स और बुक में गलत लिखा हुआ है उसमें परतन लिखा हुआ है लेकिन वो कतरन होता है कटिंग अच्छा कटिंग का क्या है? मतलब है नाम से समझ में आ रहा है जैसे तो कतरन नहीं होती दर्जी कपड़े सिलता है तो कतरन कपड़ों की बच जाती है वैसे तो हम क्या कर रहे हैं टहनिया जड़ या फिर पत्तियों के कोई टुकड़े काट लेते हैं छोटे से और उसको हम लोग क्या करते हैं वो डाल देते हैं जमीन में या पानी में जैसे रख रहे हैं अपन तो उससे हमारा नया पौधा उग जाता है तो सिंपल सी बात है ना कि आपके पास में मान लो कोई पादप है है ना ये उगा हुआ है प्रॉपर पादप इसमें ये टहनिया वगैरह निकली हुई हैं ठीक है ठीके? और सब कुछ है इसमें पत्तियां हैं है। लोग बना लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए तो इसको अगर हम काटें यहाँ से और इसको जमीन में डाल दें ये लो जमीन में डाल दो भाई साहब लो ठीक है तो क्या होगा नया पौधा उगाता है यहाँ पे ये बस इसको डाल दो पानी वानी डालो संभावना है कि नया पौधा हो जाएगा वो मिट्टी मरी हुई हो पानी सही से नहीं मिला तो फिर नया नहीं आएगा पौधा लेकिन हाँ आ जाता है और आप देखो ना काफी सारे खट्टे फल होते हैं हमारे पास में उनको हम ऐसे उगाते हैं या काफी सारे गन्ने 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 का कौन सा बीज होता है बताओ गन्ने को ऐसे उगाते हैं अपन गन्ने का टुकड़ा गाड़ा डाला पानी में डाल दो वो पा, पानी में तो क्या मिट्टी में डाल दो पानी डालो वो पौधा उग जाएगा गन्ने गन्ने के खेत ऐसे उगते हैं है ना रस भरी कोई फल है हमारे पास में उसको भी हम लोग ऐसे उगाते हैं सही बात है समझ में आ गया सिंपल है नेक्स्ट क्या हमारे पास में कलम बांधना या इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग एक और होता है लेयरिंग लेकिन वो नहीं लेंगे अपन बुक में भी नहीं दे रखा तो अपन नहीं लेंगे ये मस्त लगता है मेरे को ये वाला तरीका बहुत ही ज्यादा सही लगता है इसमें करते क्या है एक ही जाति के सामान्यतः तो ऐसा ही करते हैं कभी कभी अलग जाति के भी लेते हैं तो मैंने वही लिखा है कि एक ही जाति के दो पौधों को आपस में जोड़ देते हैं कैसे जोड़ेंगे आप बोलोगे सर कैसे जोड़ेंगे तो देखो क्या करते हैं जैसे सेब का पेड़ भी हम ऐसे उगा सकते हैं देखना क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि ना जैसे मान लो कि एक कोई हमारे पास में जम्मू कश्मीर का कोई पेड़ है।, है ना सेब का हो सकता है ना वहां पे पेड़ तो उसकी ना जड़ें बहुत गहरी नहीं है क्योंकि वहां पे तो खूब पानी है तो जड़े पे आस पास में ही है तो नीचे से इतना मजबूत नहीं होता पेड़ लेकिन अगर हम ऊपर से देखें ना तो इसमें सेब खूब सारे लगते हैं इसमें क्या है सेब जो लगते हैं वो खूब सारे लगते हैं बहुत सारे और हमारे पास में एक और है राजस्थान में है मान लो हमारे अब राजस्थान में तो कहाँ ही एप्पल उगाएंगे अपन लेकिन है ना राजस्थान में एक चीज मान लो देखने को मिलती है कि जड़े जो है ना वो बहुत गहरी चली जाती हैं तो पेड़ नीचे से मजबूत हो जाता है मान लो सही बात है तो इसमें जड़े पानी में जमीन में काफी चली जाती है मजबूत हो जाता है लेकिन हाँ इसमें क्या समस्या है सेब कम होते तो हमने कहा यार क्या करे यार वहां सेब नहीं मिल रहे यहां नीचे से मजबूत है तो ये गड़बड़ हो रही है तो बोला एक काम करो इसकी टहनी लो मान लो इसकी कोई ना कोई टहनी यहाँ रखी होगी और इसकी भी कोई ना कोई हमारे पास में यहां से मान लो जड़ ले लो इसकी इसकी जड़ ले लो ऐसे काट लो ना तो दोनों को जोड़ दो फिर तो कैसे जोड़ोगे राजस्थान वाले पौधे की जड़ ली नीचे वाला पौधा लिया गमले में ले गए वाली मान लो कोई नीचे से जड़ काट करके और इसकी ये हमने टहनी ली और इसको इसके ऊपर बांध दिया यहाँ पे सेलो टेप लगा करके दोनों को जोड़ दिया ठीक है ये टेप बांध दी इसके ऊपर हमने और पानी दिया इसको तो हमें क्या देखने को मिला कि ऊपर के गुण जो थे वो तो इस पेड़ के आ गए और नीचे के जड़ के गुण इस पेड़ के आ गए हमने कहा यार मजा ही आ गया भाई साहब तो उग गया पेड़ मस्त एकदम तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कलम बांधना आप नेट पे भी देख सकते हो बहुत सिंपल मेथड है तो सेव खूबानी आड़ू कुछ खट्टे फल अंगूर वगैरह हम इस विधि से भी उगाते हैं ऐसा भी करते हैं ठीक है अब आप इसे सोचो ना इससे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि ना कहीं पर स्पेशल कोई चीज़ उगती है किसी मतलब कुछ अलग ही उसका स्वाद होता है वो फल हमारे यहाँ भी उगता है लेकिन मान लो उसका स्वाद वैसा नहीं होता तो दोनों पेड़ों को जोड़ सकते हैं और फिर उगा सकते हैं पॉसिबल है आप क्या है अब क्या हमारे पास में कायिक प्रवर्धन की विशेषता है एग्जाम में पूछ सकता है कमियां कोई नहीं पूछेगा विशेषता जरूर पूछ लेगा तो क्या होता है फल फूल इस विधि से अगर उगाते हैं तो जल्दी उगते हैं जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आलू की बात करें ना तो मेरे को एग्जैक्टली exactly डेट तो याद नहीं आ रही लेकिन हाँ उसको बहुत कम टाइम लगता है बहुत कम टाइम में आलू की फसल जो है एग्जैक्ट टाइम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बहुत कम टाइम में पूरी फसल पूरी उग जाती है अच्छा और क्या है हमारे पास में मेथड यहाँ पर बिना बीज वाले पादपों को आप इससे उगा सकते हो जैसे आप केला खाते हो तो केले में तो बीज ही नहीं होता है तो केले का पेड़ उगाना होगा तो कैसे उगाओगे बीज तो है नहीं आपके पास में तो ऐसे पेड़ जिनमें बीज नहीं आता अब ऐसे फल वगैरह जो हम खा रहे हैं जिनमें बीज नहीं होता तो उसको उगाने के लिए भी हम कायिक प्रवर्धन काम में लेते हैं और उसके अलावा आप देखोगे हमारे पास में फायदा है संतति में जनक पादप के सभी गुण जो बच्चे है ना जो पेड़ बनेंगे उसमें जनक पादप के सारे गुण होते हैं सारे गुण एक भी गुण छूटता नहीं है हमारे पास में और क्या है नए पादपों के जीवित रहने की दर जो है ना लगभग सौ प्रतिशत होती है समझना आप पांच सौ बीज लाए बाजार से आपने जमीन में डाले पानी डाला दस प्रतिशत ही उसमें क्या होंगे फूटेंगे फल देंगे आपको बाकी गए काम से मतलब केवल पचास बीज आपके काम के निकलेंगे बाकी सही नहीं निकलेंगे यह संभावना ज्यादा होती है उनकी जिंदा रहने की दर कम होती है लेकिन अगर हम इनकी बात करें काय प्रवर्धन से अगर हम उगा रहे हैं तो सौ के सौ प्रतिशत जो है लगभग सही से पेड़ बन जाते हैं हमको फल देने लग जाते हैं समझ में आई आपको ये वाली बात तो जिंदा रहने की दर इनकी काफी ज्यादा होती है अब एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान से समझना कि ना कमी में सबसे बड़ी दो कमियां बता रहा हूं मैं आपको पहली कमी तो ये होती है कि अगर सारे तो सेम ही है ना पेड़ पौधे माता पिता बच्चे सब सेम है तो अगर किसी एक को बीमारी लग गई ना तो सबको लग जाती है क्योंकि उनमें कोई अंतर नहीं है ना अगर रोग को ये नहीं रोक पा रहा तो दूसरा भी नहीं रोक पाएगा तो ये एक बड़ी समस्या है दूसरी समस्या क्या होती है उनमें विकास होता ही नहीं है भाई विकास कब होता है जब डीएनए किस तरह से चेंज होगा हमने पढ़ा है समझा है उसमें परिवर्तन आएंगे है ना अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो उसमें परिवर्तन आएंगे तो उसमें विकास होने की संभावना ज्यादा होती है यहां पर विकास होने की संभावना इतनी होती नहीं है तो ये दो मेजर हमारे पास में मेरे को लगता है कमियां है प्रवर्दन से, पेड़ पौधे जो उग रहे हैं और एक कमी ये भी होती है कि जो संतति जो माता पिता वाले पेड़ों में जो कमियां होती है ना वो कमियां भी फिर बच्चों में मिलती है उसको हम दूर नहीं कर पाते ये होता है छोटा सा अब लास्ट हमारे पास में अलैंगिक जनन का जो लास्ट है टॉपिक वो है बीजाणु समासन या इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन अच्छा ये किस में होता है तो हम यहां पर कह रहे हैं राइजोपस के कवक जाल में बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं।, मैं आपको बताता हूं, बीजानु होते क्या हैं तो काफी सारे अलग अलग जीव होते हैं जिनके जीवन में वो क्या करते हैं बीजाणु बीजाणु बनाते अच्छा एक ऐसी संरचना है छोटी सी वो उसको ना फैला देते हैं खुद से और फिर क्या होता है वो फैल जाते हैं अलग अलग जगहों पे गिर जाते हैं और जब सही समय होता है सही मौसम होता है तो वो बीजाणु फूट करके नया जीव बना देते हैं तुरंत नहीं बनाएंगे भले हो सकता है कुछ टाइम तक बनाएंगे ही नहीं और अपन नहीं ब्रेड खाते हैं जो अपन तो ब्रेड खराब हो जाती है उसमें कवक लग जाती है टिफिन वगैरह में होता है ना फंगस हो जाती है तो वो दरअसल इसी का का है 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 उसी का ही बता रहे हम लोग ये राइजोपस राइजोपस जो ना क्या हमारे पास में में एक कवक है। तो के कवक तो के जाल वही मैं आपको उदाहरण ड्रॉ करके भी बता रहा हूं ये हमारी बुक में बता रखा है तो पहले मैंने आपको बताया बीजाणु होता क्या है है ना तो वो बीजाणु अलग अलग जीवों में भी होता है केवल कवक में ही नहीं वो कुछ एक पादपों के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है तो अब यहां पर समझो आप क्या कह रहे हैं हम लोग ये है जैसे हमारे पास में तो ये जो ऊपर हमारे पास में संरचना होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु धानी या इसको बोलते हैं स्पोरेन्जिया तो इसके अंदर इसमें राइजोपस में खूब सारे स्पोर होते हैं बीज होते हैं बीजाणु बीजाणु है ना छोटे छोटे से तो इसके अंदर खूब सारे बीज हैं अब होगा क्या कि मान लो इसमें से एक में जो बीजाणु धानी थी ना वो ऐसे फूट करके खुल गई तो क्या होगा इसमें से ये सारे बीज जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे ऑरेंज कलर से बना देता हूं मैं छोटे छोटे से डॉट्स बना देता हूँ अब ये बीजाणु क्या होते हैं अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं मान लो हवा आई हवा सा है ना पानी आया बह गया तितली आई तितली उड़ी बस में चढ़ी इसको ये पढ़ा 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 जिस दिन इसको एहसास होगा कि आज तो भैया सतह सही है जमीन वमीन एकदम सही है और आज बड़े हो जाने का दिन है है ना बड़े बच्चे हो जाने का दिन है तो मान लो ये यहाँ आएगा जब भी इसको सतह सही लगेगी तो ये क्या करेगा वापस से राइजोपस का ये जो हमारे पास में कवक जाल है वैसा बना देगा समझ में आई आपको वाली बात और ये हमारे पास में तंतु है हाइफे इसको बोलते हैं हम लोग जो जो डंडी जैसे जो हमें संरचना दिख रही है ना बाकी इसको राइजोपस बोलते हैं ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बस ये डायग्राम है जो जरूरी है हमारे लिए और ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये ऊपर वाले उसका है तो इसको अलग कर देना थोड़ा सा बेहतर रहेगा तो मैं काम करता हूँ इसको ग्रीन कलर से अलग कर देता हूँ ठीक है बढ़ सकते हैं आगे तो इसमें बस एक पॉइंट हमने और लिखा है जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो बीजाणु होते हैं ना हमारे पास में इनके चारों तरफ क्या होती है एक होती है है ना एक दीवार होती है जो कि इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करती है रक्षा करती है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से प्रश्न छोटा सा एक पूछे जाने की संभावना होती है हालांकि मैंने जो आपको अभी तक बताया वो सब इंपॉर्टेंट है

आप समझना काफी सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होता है हम किन के बारे में समझ रहे हैं जिनमें पुष्प होता है उसमें लैंगिक जनन पड़ रहे हैं तो अब पुष्प वाले पौधे भी दो तरह के होते हैं है ना एक तो होते हैं एक लिंगी पुष्प मतलब एक पौधा ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही लिंग होता है क्या क्या लिंग से कहने का मेरा मतलब है स्त्री या पुंग एक ही होगा बस स्त्री या पुंकेसर करेक्ट और ये जो दूसरे हैं हमारे पास में ये होते हैं उभयलिंगी यानी इनको हम लोग बोलते हैं भाई बाईसेक्सुअल फ्लावर्स बाई का मतलब दो तो इसमें दोनों ही होते हैं कहने का मतलब है इसमें स्त्री केसर भी होगा और पुंकेसर भी होगा मतलब इसमें नर जनन तंत्र भी होगा और मादा जनन तंत्र भी होगा मादा जनन तंत्र को स्त्रीकेसर बोलते हैं हम लोग वाह ये व वा शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पे वह पोंगे सर दोनों होंगे एक में एक ही फूल में अच्छा उदाहरण है इसके उदाहरण गुड़हल का वो मैंने आपको बाई सेक्शन भी डाई तो सेक्शन भी उसका करके दिखा रखा है काट करके भी दिखा रखा है फूल उसमें होते हैं दोनों होते हैं देख लेना आप गुड़हल नेट पे सर्च करके हिबिस्कस लिख करके देखना उसमें दोनों होते हैं अच्छा एक वाला तो एक वाला तो पपीता फेमस है पपीते के दो पेड़ लगते हैं है ना स्त्री केसर वाला अलग लगता है वाला अलग लगता है तब भी होगा ना अभी दोनों पेड़ बड़े होंगे वाले वाले में में बीज बीज बनेगा वो बीज जब स्त्री केसर जाएगा तो पपीता नहीं तो नहीं ये इंटरेस्टिंग बात है तो अब ये है अब हमें करना क्या है कि है ना हमें पुष्प का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है तो आज वो बनाते हैं फटाफट से अपन नीचे बना लेता हूं मैं यहां पे तो सबसे पहले हम पुष्प में क्या करेंगे स्त्री केसर बना देता हूं मैं ये रहा ठीक है ये मैंने बना दिया यहां पे स्त्री केसर और फिर बना बना देते 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 हैं 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 इसमें पुंकेसर कलर कलर चेंज कर देते हैं। वाइट कलर से अपन इनके इंग्लिश नाम भी मैं बीच बीच में बता दूंगा टेंशन मत लो आप लोग बिल्कुल भी पुंकेसर बल्कि ज्यादा छोटा होता है लेकिन मैं चित्र में साफ देखे इसलिए बना रहा हूँ ज्यादा भी होते हैं तीन चार पांच भी हो सकते हैं बट मैं दो ही बना रहा हूँ अच्छा फिर क्या करना है हमें फिर नीचे हम इसका ना बेस ऐसे बना देते हैं और ये इसकी डंडी है मान लो और इसमें ऐसे पत्तियाँ वत्तियाँ भी रहती हैं बट ठीक है पूरा सुंदर ही बनाएंगे अपन इसको ठीक है और इसका फूल है मान लो फूल तुम्हें भेजा है ऐसा गाने आते हैं ऐसे छोड़ो अभी गाने नहीं गाएंगे इस कलर से बनाता हूँ मैं तो अब है ना फूल है ना क्योंकि ये तो फूल का शेप बना देते हैं अपन अब मान लो ये ऐसे फूल है पत्तियां उसकी फूल की है ना और यहां से भी बना सकते हो आप फिर यहां से निकल करके फूल आ रहे हैं ऐसे कुछ भी मन से है ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स ही है सर ये लाइन तो आपने वहां से क्यों खींच दी और वो वाली लाइन तो सर आपने जो है वहां से क्यों खींच दी ऐसा कोई सा भी ये फूल अपने पास में ऐसे समझ लो

ये वाला भी पुंकेसर है ये पूरा पूरा वाइट स्ट्रक्चर जो बनाया है और ये पूरा भी जो है ये पूरा भी क्या है पुंकेसर है और ये बाहे दल है हमारे पास में पंखुड़िया हैं और ये हमारे पास में बाहे दल है यहाँ पे ग्रीन कलर की जो पत्तियां निकली हुई हैं और ये स्त्री केसर मैंने आपको बताई दिया अब उनके अंगों के बारे में हमें पढ़ना है तो वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ वैसे मैं इसी चित्र में भी लिख सकता हूँ लेकिन इस चित्र में मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करना सारा ठीक है तो ये क्या है ये हमने जो बनाया है ना अभी ये पुष्प का अनुधर्य काट है ठीक है मतलब ऐसे कह सकते हैं ना बीच में से उसको काट के देख रहे हैं ना साइड में से तो ये पुष्प का काट है हमारे पास में समझ में समझ आया थोड़ा सा ये लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है अभी समझ में अभी अलग ही कर रहे हैं अपन पुंकेसर जो है उसको अलग से बना रहे हैं स्त्री केसर को अलग से बना रहे हैं प्रॉब्लम ही सारी खत्म कर देंगे ये लोग पुंकेसर को बना देते हैं फटाफट से तो इसमें हमारे पास में क्या होता है एक डंडी है थोड़ा यहाँ पे मोटा कर देता हूँ थोड़ा क्योंकि अच्छे से बता रहे हैं जूम इन करके तो इसमें दो हिस्से होते हैं पुंग के सर में बड़ी क्लास में तो थोड़ा और गहराई में पढ़ोगे बट अभी मैं दो ही हिस्से बता रहा हूँ इसमें आपको क्या क्या है हमारे पास में पहला जो ये ऊपर जिसमें मैं गोले गोले बना रहा हूँ ना इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पराग कोश। और हाँ एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेमिन पुंकेसर को इंग्लिश में स्टेमिन कहते हैं और ये नर जननांग होता है तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा मैंने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं पराग कोश क्यों बोलते हैं पराग कोश क्योंकि पराग कोश में क्या होते हैं पराग कण होते हैं मैं देखो बताता हूं पराग कण क्या है। ये जो हरे हरे मैंने दाने दाने बनाया ना यहां पर ये वाला इसको एक थोड़ा जूम करके देखते हैं हम लोग तो यही क्या है हमारे पास में पराग या एक तरह से समझो पुरुष वाले भाग से जो जाएगा ना वहां पे वो है हमारे पास में पराग और इसमें इस पराग कर्ण के अंदर हमारे पास में दो चीजें होती हैं समझ लेते हैं हम लोग इसमें एक हमारे पास में केंद्रक होता है और दो इसमें हमारे पास में नर युग्मक कोशिकाएं होती हैं ठीक है मेल गैमीट सेल्स होते हैं ऐसा अभी सबका नाम मैं बता दूंगा सबका सब कुछ ही बता दूंगा आप टेंशन मत लो यहां पे बिल्कुल भी तो ये क्या है पराकोष है ये पराकण है पराकण में जो चीजें हैं उनका नाम लिख रहे हैं ये जो नीचे डंडी है हमारे पास में इस डंडी को हम लोग बोलते हैं तंतु तंतु ही है ना और इसको इंग्लिश में भी हम फिलामेंट ही बोलते हैं तो तंतु ही हुआ वो दो ही अंग होते हैं इसमें अब ध्यान से समझो ये जो दो है इसमें ये दोनों क्या होते हैं नर युग्मक कोशिकाएं दो होती है मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं इसमें आपको कुछ भी मैं पहले ही बता रहा हूं तुमको मैं केवल डायग्राम्स बनाऊंगा अच्छे से आप लोग भी बना लेना और समझ लेना अच्छे से तो ये पराक्रण है ये नर कोशिका कोशिकाएं इसमें दो होती हैं और इसमें जो एक चीज और है हमारे पास में इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस व्हाइट वाली चीज को हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्रक करेक्ट कायिक केंद्रक या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और ये असल में होता क्या है जो पराग कण है ना उस पराग कण के अंदर एक कोशिका है ये देख रहे हो ना आप मैंने एक एक तो लाइन खींची है है बाहर फिर उसके अंदर एक और गोला बनाया है। तो वो असल में एक कोशिका है जिसको कायिक कोशिका बोलते हैं हम लोग तो उस कोशिका के अंदर ये तीन चार चीजें होती हैं और पराग इतना सा होता है अपन को दिखता है आंख से छोटे से होते हैं एकदम बारीक ठीक है समझे आप ये वाली बात अब हम लोग है ना स्त्री केसर वाला चित्र भी अपन बना लेते हैं फटाफट से तो स्त्री केसर वाला चित्र कैसे बनाओगे ये ऐसे बनाना है यहां पे थोड़ा सा मोटा बना देते हैं ताकि इसी में ही हम थोड़ा और समझा देंगे ये हमारे पास में स्त्री केसर का पूरा चित्र है तो अब यहां पे समझना इसकी तीन चीजें हैं। ये जो ऊपर वाला हमारे पास में भाग है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र ठीक है वर्तिका का आगे वाला भाग क्योंकि ये जो डंडी वाला हिस्सा है ना यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका और ये ऊपर वाले को हम लोग बोल रहे हैं वर्तिका अग्र कि वर्तिका का आगे वाला भाग दैट इज वर्तिकाग्र और ये डंडी हो गई वर्तिका और ये जो नीचे वाला हमारे पास में ये पूरा का पूरा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय तो मैं ऐसे एरो करके लिख देता हूं अंडाशय तो इनका अगर इंग्लिश में नाम एक बार मैं कंटिन्यू करूं तो वर्तिकाग्र को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल स्टाइल में रहने का वर्तिका को एग्जैक्टली exactly, सच में स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में और इसको नीचे वाले हिस्से को अंडाशय है बोलते हैं इसमें होगी ये आपको समझ में आ रहा होगा हालांकि डायरेक्ट अंड कोशिका नहीं होती मैं आपको बता देता हूं इसमें ना अंदर हमारे पास में ऐसे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड क्या बोलते हैं बीजांड मैं यहां लिख देता हूं ठीक है बीजांड या ओव्यूल होते हैं इसके अंदर और ओवियल हो सकता है ज्यादा भी हो बट अभी हम एक ही कंसीडर करेंगे हमारी सहूलियत के लिए तो आप समझते हैं अपन होगा क्या कि यहाँ पे इस ये जो हमारे पास में क्या है ये जो परागकण है ये यह परागकण यहाँ से हवा में उड़कर के या आप मान लो कि कोई तितली की सहायता से या किसी मधुमक्खी की सहायता से क्या होगा परागण होगा पर परागण होगा और ये यहां तक पहुंचने वाला है अच्छा तो बढ़िया है भाई उसी फूल का जो हमारे पास में पराकण है वो उसी के वर्ती का अगर यू आ जाएगा जैसे तो मटर के पौधे में होता है मेंडल ने इसीलिए मटर का पौधा लिया था स्व परागण हो जाता है वहां पे शुद्ध पीढ़ी मिल सकती है वहां पे उसको रखो साइड में अलग अलग फूल है दूर दूर है पपीते का तो फिर वो उड़ के पहुंचेगा कैसे करके पानी से हवा से पहुंच गया अपन ने ये मान लिया यहाँ पे ठीक है भाई साहब पहुंच गया अभी क्या होगा ये जो हमारे पास में काय कोशिका है ना वो यहाँ पे खुल जाएगी अच्छा खुलेगी से क्या मतलब है मेरा यहाँ पे ये रास्ता बनेगा अब अंदर जाने का तो यहाँ पे एक पाइप बनेगा पाइप देखो कैसे ऐसे करके और ये पाइप ठेठ कहां तक जाएगा यहां तक जाके नीचे से एंटर करेगा उसमें अच्छा नीचे से क्यों अभी समझाता हूं मैं आपको ये ऐसे जाके ये नीचे से एंटर करेगा और यहां पे हम थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं इसमें अलग अलग हमारे पास में शेप्स होते हैं ठीक है और यहाँ पे हमारे पास में पोलर न्यूक्लियर होता है उसको पूरे को चाहे तो हम लोग ऐसी एक ड्राइंग बना सकते हैं यहाँ पे आप बना सकते हो तो अब समझना यहाँ पे क्या होता है इसमें खूब सारी चीजें होती है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो आप आगे की क्लासेस में जाकर के पूरा अच्छे से पढ़ोगे बायोलॉजी में लेकिन अभी बहुत सिंपल में समझना ये हमारे पास में यहाँ पे होती है ध्रुवीय केंद्रक या इसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर है। केंद्रक है ना ध्रुवीय केंद्रक अच्छा और नीचे हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है अंड कोशिका होती है क्या होती है यहाँ पे नीचे अंड कोशिका या एग सेल जिसको बोलते हैं तो देखो सारा ये जो प्रोसेस है ना क्यों हो रहा है कि यहां से जो नर युग्मक कोशिका है अंदर वाली वो जाकर के मिल सके किससे मादा युग्मक कोशिका से या अंड कोशिका से जाकर के मिल सके तो वो अंड कोशिका एक यहां पर है और ये ध्रुवीय केंद्र के दोनों हमारे काम के होते हैं दोनों हमारे काम के होते हैं होता क्या है इस पाइप से अगर हम देखेंगे ना तो आगे आगे चलता है हमारा यहाँ पे केंद्रक ऐसे और पीछे पीछे आते हैं हमारी ये दोनों जो है ना नागम कोशिका है वो पीछे पीछे आती है। केंद्रक तो यहां तक का रास्ता लेके आता है यहां पे आके खत्म हो जाता है और ये जो दरअसल अंड कोशिका है ना इसके पास में कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है वहां से कुछ केमिकल निकलता है तो उस केमिकल के कारण ये जो हमारे पास में नलकी है जो ट्यूब जा रही है इसको पता चलता है कि यहां तक जाना है और एक बात और इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पराग नली

युग्मनज बनाएगी और जो दूसरी वाली हमारे पास में नरयुग्म कोशिका है वो जुड़ती है किससे ध्रुवीय केंद्रक से और उससे क्या बनता है ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ करके वो भविष्य में जाकर के एंडोस्पर्म बनाती है या भ्रूण पोष बनाती है अभी तुम्हारे दिमाग में गुड़ और गोबर हो रहा होगा अभी मैं सब साफ किए देता हूँ एक काम करते हैं अपन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ तो देखो कैसे ऐसे अपन इसको कंटिन्यू कर लेते हैं ये यूं चल रहा है ठीक है यहां से यहां गया सब कुछ और यहां से हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं इसको नहीं इन कंसिडर करना है आप इसको तो देखो एक तो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर हम देखेंगे और की क्या होगा ये हमारे पास मान लो बीजांड है इसमें ऊपर हमारे पास में ऐसे स्ट्रक्चर है और ये मान लो इस तरह से यहां भी है कुछ स्ट्रक्चर है ना और यहां पर ये यह हमारे पास में ध्रुवीय कोशिका है तो यहां पर हमारे पास में मान लो अंड कोशिका है तो एक जो नर कोशिका है है ना वो ट्यूब में से आके इसमें जुड़ जाएगी ये हमारी ट्यूब है मान लो तो एक नर युग्मक कोशिका जो व्हाइट कलर से ही मैं जिसको बना रहा हूं वो किससे जुड़ जाएगी इससे जुड़ जाएगी मैं इसको येलो कलर से ऐसे कवर कर देता हूं तो एक तो यहां पर ही हो जाएगा निषेचन इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोनों जुड़ जाएंगी निषेचन होकर के मतलब एक तरह से छोटा सा बच्चा बना देंगी है ना जिससे बाद में बीज बनेगा अच्छा ठीक है और जो दूसरी वाली हमारे पास में अंड कोशिका है वो नरयुग्म कोशिका ठीक है दूसरी नरयुग्म कोशिका जो यहाँ पे पीछे पीछे आ रही है जैसे मान लो ये वाली जो है तो ये वाली नारी उगम कोशिका क्या करेगी मैं ऑरेंज से बता रहा हूं यहां से अंदर जाके पीछे जाकर के और इससे जुड़ जाएगी समझने की कोशिश करना ध्रुवीय जो हमारे पास में केंद्रक है ना, उससे जुड़ जाएगी यहां पे जाकर के और उससे बनेगा भ्रूण पोष तो इसको मैं एक छोटी सी ड्राइंग बना रहा हूं फिर मैंने आगे बनाई रखी है ड्राइंग तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा तो ये कुछ ऐसे होता है तो ये मान लेते हैं हमारे पास में पूरा का पूरा बीजांड है इसको मैंने पूरे को ऐसे बड़ा कर करके बनाया है ठीक है बीजांड बन गया यहां पर अब इस बीजांड के अंदर हम लोग देख रहे हैं इसको एक बार पहले तो मैं डबल लेयर कर देता हूं ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा ये दोनों जुड़े हैं ना तो इन दोनों ने क्या बनाया है छोटा सा यहां पे एक मान लो भ्रूण बनाया है क्या कह रहे हैं इसको भ्रूण बनाया है भ्रूण किसको बोलते हैं हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना छोटा बच्चा जब मां के घर में होता तो उसको भ्रूण बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं उसको और इसके चारों तरफ जो है ना हमारे पास में ये सब कुछ जो है ये सारा जो है ये क्या है एंडोस्पर्म या इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण पोष क्या बोलते हैं भ्रूण पोष

ये परागण अभी ले लेंगे पहले ये आप ये आप डायग्राम देख लो ये हमारे पास में ये भ्रूण पोश बना पूरा और ये अंदर वाला हमारे पास में क्या है युग्मनज है युग्मनज जो छोटा सा बच्चा बना अभी फिर वो बच्चा बड़ा होकर के थोड़ा सा भ्रूण बना लेगा और उसके चारों तरफ वाला वो खाना देगा उसको खा ले खा ले खा ले और फिर एक समय के बाद क्या होगा ये पूरा का पूरा एक बीज बन जाएगा जैसे मटर का दाना खाते हैं है ना यहाँ जैसे हम लोग मूंगफली खा रहे हैं वो भी एक बीज है यहाँ फिर जैसे हम लोग है ना कोई ऐसा एग्जाम्पल दू जिसको आप थोड़ा और रिलेट कर पाओ

किसी फूल से मतलब किसी पुंकेसर से क्या हो रहा है स्त्री केसर के कहां पर जा रहे हैं वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं पुंग केसर के पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अगर ये जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं परागण पॉलिनेशन परागणों का पुंकेसर के पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है परागण कहलाता है ये परागण दो तरह का होता है एक होता तो तो है स्वपरागण खुद से ही हो जाना मतलब क्या है मान लो हमारे पास में एक ही ऐसा फूल है मान लो ऐसे बनाते थे ना बचपन में अपन फूल बीच में गोला करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके बोलते फूल बन गया तो अगर एक ही हमारे पास में ऐसा फूल है जिसमें से परागकण उसी के पुंकेसर से उसी के स्त्री में चला जाए तो वो क्या है स्वपरागण और अगर हमारे पास में भाई दो फूल है है ना दो फूल है हमारे पास में देखो फटाफट से एक फूल ये रहा और इसी की जाति का मान लो वैसे तो जाति अलग भी हो जाती कभी कभी लेकिन हम इसी उसी की जाति का मान रहे हैं ठीक है डंडी है इसकी और एक और फूल हमारे पास में मान लो ये रहा तो इससे अगर क्या हो कि जो पराग कण है वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाए तो क्या कहेंगे उसको पर परागण पर परागण या उसको क्या कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन तो उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब जैसे आ, अगर जो हमारे पास में ऐसे पुष्प हैं जो अलग अलग ही होते हैं जैसे पपीते वाले दो होते हैं तो परा, पर परागण हो रहा है बाकी तो स्वपरागण होता है बहुत सारों में मटर के पौधे में स्वपरागण हमें देखने को मिलता है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अब हमारा जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है उसको लेंगे फटाफट से अपन चलो लेते हैं आप यहां तक करो पहले जल्दी से तो बढ़ते हैं देखो आगे तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानव में लैंगिक जनन जिसका तुमको सदियों से इंतजार था सदियों से मतलब कहने का मतलब है है तुम 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 चैप्टर लिए रहे रहे हो हो मेरे को सब पता शादी कब कर रहे हो आप भाई मेरा पीछा छोड़ दो तुम लोग हैं अपनी सोचो अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो पढ़ाई पे ध्यान दो और इस टॉपिक पर ध्यान दो तो शादी नहीं करनी अभी ये फोटो को भूल जाओ अभी यहां समझो यौवनारंभ क्या होता है तो यौवन आरभ क्या है सुनना ध्यान से यार मानव में क्या होता है जो शरीर है ना लड़के का और लड़की का वो ऐसे बड़ा होते 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 अब ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब वो प्रजनन क्षम है मतलब प्रजनन क्षम का मतलब क्या होता है कि वो बच्चे पैदा कर सकता है तो ऐसी जो परिवर्तन आ रहे हैं उस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं यौवनारंभ लिखा भी अपन ने यही है मानव में शारीरिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाते हैं प्रजनन क्षम मतलब प्रजनन की क्षमता उनमें आ जाती है समझ में आई आपको वाली बात दूसरी एक और हमारे पास में टर्म है जिसको हम लोग किशोरावस्था या एडोलिसिन बोलते हैं थोड़ा सा फर्क है दोनों टर्म्स में यहां पर हम कह रहे हैं यौवनारंभ वो है प्यूबर्टी जिसमें शरीर हमारा मचोर हो सकता है कि हां अब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं यहां पर किशोरावस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में कोई जो बच्चा है वो बड़ा होता है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन तो आते ही हैं, लेकिन उसमें मानसिक भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं ऐसा महसूस होता है ना कि नो कोई दूसरे अगर जेंडर का व्यक्ति है तो उससे हम थोड़ा अलग महसूस करने लग जाते हैं है ना खुद के शरीर को अलग से महसूस कर पाते हैं किसी और के को अलग से किसी के टच को अलग से महसूस कर पाते हैं छोटे बच्चे होते हैं अपन जब तीसरी चौथी क्लास में तो लड़के लड़की सब एक साथ बैठ करके खा रहे होते हैं वहीं पर मार रहे होते हैं एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनमें अभी तक वो सम, समझ नहीं आई है लेकिन वो समझ भी आ जाती है तो उस अंतराल को उस अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं किशोरावस्था मानसिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन वाली कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से हालांकि इस टॉपिक में मैंने क्या कटौती कम की है क्योंकि मेरे को पता है तुमको पसंद है तो फिर ठीक है तो आप देखो समझो यौवनारंभ के दौरान लड़के और लड़कियों के शरीर में परिवर्तन होता है तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं एक तो ऐसे परिवर्तन जो लड़के और लड़की में सेम हो रहे हैं तो पहले वो सेम वाले परिवर्तन देखना है जैसे कांख और जांगों के बीच में बाल आना यहाँ पर ऐसे वो देखते हो ना वो क्रीम वाली एडवर्टाइजमेंट नहीं आती कि वो ऐसा कि ये लगाओ क्रीम और फिर उससे क्या होगा कि यहाँ पे कालापन कम हो जाएगा और ये है रू है बाल तो सबके ही होते हैं शेव करो फिर क्रीम लगाओ वो ऐसा टीवी में एड डालते हैं छोड़ो तुम उन सबको तो ये कांख में आमपिट में बाल आना ये जो जननांगी जो क्षेत्र है ना जहाँ पे हमारे जननांग है तो वहाँ पे बाल आने लग जाते हैं उसके अलावा क्या है जननागी क्षेत्र का रंग गहरा हो जाना यह भी होता ही है लड़कों के साथ भी होता है और लड़कियों के साथ भी चीज होती है है फिर क्या हमारे पास में पैर हाथ और चेहरे पर हल्के हल्के रोम निकलना आप देखोगे ना यहाँ पे यहाँ पे हाथों हाथों पे मेरे तो बहुत ज्यादा है बाल तो मेरे को तो पता ही है बट ये महीन रोम यहां तक पे भी होते हैं इस जगह पे भी होते हैं बारीक बारीक होते हैं एकदम ये दोनों के साथ लड़के लड़की सब में होता है त्वचा का तेलिया हो जाना और कभी कभी मुहा से निकल जाना त्वचा का तेलीय हो जाना मतलब ऐसा लगता है ना ऑयली हो गई है स्किन स्किन में से थोड़ा सा चिकना चिकना निकल रहा है कुछ तो ये लड़के लड़की दोनों में होता है और फिर क्या है शरीर की संवेदनशीलता जो है बढ़ जाती है अर्थात अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाना शरीर के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता ना कि चलते चलते कोई भी किसी का भी हाथ पकड़ लेगा सजग ही नहीं है शरीर के लिए बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम अब बहुत ज्यादा समझदार हो गए लेकिन छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं वो जाते जाते किसी का भी हाथ पकड़ लेंगे किसी को भी पीछे से मार के आ जाएंगे कुछ भी कर लेंगे क्या छोड़ो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में भिन्न भिन्न भिन शारीरिक परिवर्तन लड़के और लड़कियों में होने वाले अलग अलग परिवर्तन इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है लेकिन क्योंकि टॉपिक है तो मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ तो लड़कों में कौन से परिवर्तन अलग आते हैं दाढ़ी मूछ आती है, है ना लड़कियों में नहीं आती और क्या है आवाज मोटी होती है और आवाज फटने लग जाती है मेरी देख रहे हो ना आप चीख चीख के तुम्हारे लिए आवाज फट गई है फिर उसके अलावा स्वर यंत्र का बड़ा होना ये होता है ना यहाँ पे स्वर यंत्र हमारा लैरिंग्स जिसको बोलते हैं ये थोड़ा बड़ा हो जाता है लड़कों में ज्यादा बड़ा होता है लड़कियों से और क्या है शरीर अधिक मासल एवं बलवान होता है देख रहे हो ना बॉडी देख रहे हो मेरी है ना मासल बलवान शरीर हृष्ट पुष्ट शरीर ऐसा श्रोणी का पतला एवं सुदृढ़ होना श्रोणी क्या होती है पेल्विस जिसको बोलते हैं ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना तो लड़कों में ये पतला हो जाता है लड़कियों में चौड़ा होता है क्यों चौड़ा होता है क्योंकि लड़कियों में संभावना है ना कि भविष्य में बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा रहेगा वहां पर तो जगह ज्यादा चाहिए तो लड़कियों में चौड़ा होता है ये हिस्सा नीचे इधर वाला है ना और लड़कों में ये थोड़ा पतला होता है सुदृढ़ होता है कंधों का विस्तारित होना कंधे एकदम चौड़े होते हैं छप्पन इंच का सीना हो जाता है सब हैं, कोई इंच का सीना नहीं जननांगों का विकास होना आदि जननांग तो विकसित होते ही हैं ये हमको पता है और सेम लड़कियों में अगर हम देखें तो अलग परिवर्तन है स्तन के आकार में वृद्धि ब्रेस्ट जो होता है उसके आकार में वृद्धि होने लग जाती है बचपन में नहीं होती है ना बचपन में लड़के लड़की जब छोटे होते हैं मान लो पहली क्लास में ही है तो लड़के और लड़की को सेम कपड़े पहना दो तो तुम पता भी नहीं कर पाओगे कि कौन लड़का है कौन लड़की तो ये वाले परिवर्तन बचपन में नहीं होते ये कब है? आते हैं यौवन आर में आता है और यौवनारंभ हाँ शुरू किस किस उम्र में होता है तो कहते हैं लड़कियों में 12 से 14 साल 15 साल तक शुरू हो जाता है या लड़कों में हो सकता है 14 से लेकर के 16-17 साल तक की उम्र में यौवनारंभ के परिवर्तन आना शुरू होते हैं किसी में लेट होते हैं किसी में जल्दी होते हैं कोई लफड़े वाली बात इसमें नहीं है स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा हो जाना स्तन के आगे की जो त्वचा है उसका रंग कैसा होने लग जाता है गहरा होने लग जाता है, डार्क हैं लड़कियों में इस उम्र में, यौवन आरंभ में और फिर वो चलते हैं चालीस पचास तक की उम्र तक चलते हैं पीरियड्स अभी वो क्या है पीरियड्स आएगा अभी अपने टॉपिक टेंशन मतलब श्रोणी का विस्तारित होना श्रोणी बताया मैंने आपको ये जो पहले नीचे वाला ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ का ये थोड़ा चौड़ा होने लग जाता है और फिर क्या है हमारे पास में आवाज का पतला होना हमारी तरफ फटती नहीं आवाज रहती की भाई। और जननांगों का विकास होना, बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं चलो ठीक है तो फटाफट से आ जाओ अपन नर जनन तंत्र पर आ गए हैं तो देखो सबसे जो बेस्ट तरीका है ना रिविजन का वो है ड्रॉ कर लो अगर डायग्राम है तो उसको आप लोग ड्रॉ कर लो यही तरीका मैंने काम में लिया है जन्मों जन्मों से मतलब काफी सारे सालों से तो देखो ड्रॉ करते हैं फटाफट इसमें लेबलिंग करते करते ही मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको ऐसे बनाओ फिर ऐसे बना दो और फिर यहां पे आप क्या करोगे इस तरह से साथ साथ में बनाओ सब लोग अब देखो फटाफट से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि अपन ने क्या बनाया है ये शिशन है लड़कों में होता है और ये वृषण कोष है हमारे पास में और यहाँ पर हम लोग वृषण बनाने वाले हैं और यहाँ पर जहां पर हम लोग बेल्ट बांधने वाले हैं उसके पीछे हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या हम बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा हमारा जो ब्लेडर होता है ना यूरिनरी ब्लेडर उसको बनाएंगे अपन जल्दी से बनाते हैं तो इसको यहां बना देते हैं ये यहां पर जो मूत्र वाहिनी है वो हमारी इसी में आकर के मिलती है लेकिन है ना इसमें और भी पाइप पा आकर के मिलते हैं अच्छा वो सब अभी बना लेते हैं अपन फटाफट से तो यहां पर पहले हमको क्या बनाना पड़ेंगे वृषण बनाने पड़ेंगे तो आप इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हो पहले है ना मैं सजेस्ट करता हूं कि ऐसा 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 करके एक संरचना बना लो यहां पे और फिर इसको ऐसे अंडाकार अंडे के आकार में ऐसे बना दो और इसमें से आप क्या करोगे कि हमें एक पाइप बनाना है तो पाइप बनाने के लिए अपन क्या करेंगे पाइप को इधर से पीछे से निकालेंगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे समझ में भी आएगा आपको अच्छे से ये इधर से हम एक पाइप यहाँ पर बनाएंगे ठीक है और इसको मान लो यहां से घुमा करके हम लोग लाते हैं और ये इसी में ही जुड़ जाता है अच्छा अब इस पाइप को ना हमें डबल करना पड़ेगा क्योंकि पाइप की तरह दिखाना है तो फटाफट से डबल कर दो ठीक है और अब हमें एक पाइप यहाँ पर भी लाना है जो हमारे इस यूरिनरी ब्लेडर में इस टंकी में मूत्र की जो टंकी है उसमें क्या ला रहा है ये पाइप मूत्र ला रहा है तो ये इसके पीछे से यहां से आ रहा है थ्री में और मान लो हमने इसको ऐसे बना दिया ऐसा और एक तरफ से उसके ऊपर से घूम के आ रहा है बुक्स में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ही बना रखा होता है तो अपन वैसा ही बना रहे हैं और चाहो तो यहां पर बना सकते हो कि अपना जो मल मलाशय होता है ना पट्टी करने का जो द्वार है यहां ये यह है हमारा गुदा द्वार और मलाश है हालांकि यहां पे बनाना उसको कोई ज्यादा खास लॉजिकल नहीं है और ये हमारा हो गया मलाशय ठीक है मलाशय और ये गुदा द्वार हो गया यहां पर अब बाकी चीजों का नाम देते हैं एक एक करके और फिर थोड़ा और बनाते हैं इसको तो पहले क्या है सबसे पहले समझो यहां पर ध्यान से कि भैया ये है हमारे पास में शुक्रवाहिनी अच्छा शुक्रवाहिनी पर आने से पहले मेरे को क्या करना चाहिए था आपको बताना चाहिए था कि भाई शुक्राणु क्या होता है क्योंकि ये वाहिनी है शुक्राणुओं को बहा करके लाने वाला पाइप है शुक्र ये है ये हमारे शरीर में वृषण कोश ये जो थैली दिख रही है ना हमको ये क्या है वृषण कोश और इसके अंदर ये जो दो बॉल होते हैं हमारे पास में टेस्टीज या टेस्टिकल जिनको कहते हैं हम लोग तो ये क्या है हमारे पास में ध्यान दो यहां पर दीज आर वृषण तो ये है वृषण या टेस्टिस अब होता क्या है इन वृषण में छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं और वो कोशिकाओं का नाम क्या होता है वृषण में जो बनती हैं मैं बता देता हूं आपको ये होते हैं शुक्राणु या जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म सेल्स या मेल गेमेट्स इनको हम लोग कह सकते हैं कैसे होते हैं ये शुक्राणु ये कुछ इस तरह से पूछड़ी नुमा आकृति होती है छोटे बहुत छोटे होते हैं अगर हम ये बोले कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो ये गलत नहीं होगा कहना कि सबसे कम छोटी यही होती है आयतन के मामले में सबसे छोटी कोशिका यही शुक्राणु तो शुक्राणु तो कहां बन रहे हैं भाई साहब यहां बन रहे हैं अच्छा और क्या तो इस वृषण से इन वृषण से शुक्राणु के अलावा एक हार्मोन भी बनता है जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या बोलते हैं बोलो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगले पेज पे लिखा हुआ है टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी तो ये शुक्राणु कहां से इस पाइप से होते हुए जिस पाइप का नाम क्या है हमारे पास में शुक्रवाहिनी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहां से जाते हैं और यहां से जो हमारा मूत्राशय है इसमें से जो पाइप पा आ रही है जिसको हम लोग मूत्र वाहिनी बोल सकते हैं उससे जाकर के मिल जाते हैं और फिर यहां से मूत्राशय से जो ये आगे पाइप पा आ रहा है इसको हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं मूत्र मार्ग कह देते हैं कि भैया यहाँ से मूत्र जो है पुरुष के शरीर से बाहर निकलता है और साथ ही साथ में अगर जब शारीरिक संबंध स्थापित हो रहे होते हैं तो यहीं से ही जो हमारे शुक्राणु हैं वो भी बाहर निकलते हैं लेकिन यार देखो होता क्या है ना शुक्राणु इतना लंबा सफर तय करके आते हैं क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं तो उनके लिए तो सफर बहुत लंबा है तो उनको माध्यम थोड़ा सा पानी जैसा चाहिए होता है जिसमें से तैर करके आ जाए वो या फिर उनको थोड़ा खाने पीने का सामान भी चाहिए होता है क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता तय करके जाने वाले तो उसके लिए क्या होता है रास्ते में हमारे पास में यहाँ पर दो ग्रंथियों का हमारी दसवीं कक्षा में वर्णन किया गया है वैसे ज्यादा होती है लेकिन दो मुख्य रूप से होती है जैसे एक तो मैं यहां बना रहा हूं ऐसे ऐसे करके इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि तो ये अपना कुछ ना कुछ जो उत्सर्जन है ये उसमें डाल देती है उत्सर्जन नहीं कहना चाहिए उत्सर्जन मतलब कचरा होता है तो आप ये समझो ये अपना कुछ ना कुछ रसायन बनाती है वो इन शुक्राणुओं को दे देती है तो जिससे उसका सफर जो है आसान हो जाए और साथ ही साथ में एक और हमारे पास में यहाँ पर ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस प्रोस्टेट ग्रंथि को डार्क करके तो लिख देते हैं इसको ये है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्ट्रेट ठीक है और यहां पे क्या है हमारे पास में ये है शुक्राशय तो इतना हम लोगों को याद रखना है तो अब देखो समझ दो हमें किताब में समझाना कैसे शुरू किया कि बोला जो भैया हमारे पास में नरजनन तंत्र है मनुष्यों में उसके दो भाग हैं बोला क्या बोला पहला वो जहां पर नर जनन कोशिकाएं है, बनती हैं कौन सी मतलब बोला शुक्राणु अच्छा कहां तो बोला भैया वृषण अरे बाहर इसलिए होता है क्योंकि ना इसको थोड़ा शुक्राणु बनाने के लिए तापमान कम चाहिए होता है थोड़ा इसको ठंडक चाहिए होती है तो शरीर का तापमान ज्यादा होता है बोले अच्छा फिर तो बोले इसीलिए ये शरीर के बाहर होता है और इसमें जो थैली है ना बाकी शरीर की तुलना में इसका तापमान तीन डिग्री तक लगभग कम रहता है तो उसमें शुक्राणु जो है आराम से बनते हैं ठीक तो है साहब ठीक है फिर बोले जो दूसरा भाग है ना वो पूरा का पूरा भाग क्या है इन शुक्राणुओं को इन कोशिकाओं को कहां तक ले जाता है वो महिला के गर्भाशय तक जाकर के ले जाएगा अच्छा वो कैसे तो बोले वो पूरा पाइप है देखो जब शारीरिक संबंध स्थापित होगा है ना शादी होने के बाद में तो क्या होगा बच्चा पैदा करने के लिए जो शुक्राणु है ये महिला के गर्भ में योनि से जाकर के उस शुक्राणु को वहां पर छोड़ करके आएंगे और आपको मतलब क्या बताऊं मैं कितने सारे शुक्राणु होते हैं अगर हम दो तीन मिलीलीटर वीर्य की भी बात करें तो उनमें मिलियंस है ना करोड़ों शुक्राणु हो सकते तो ये समझ में आ गया होगा आपको बड़ा सिंपल में डायग्राम बना लिया अपन ने अच्छा इसको तो लिखा ही नहीं अपन ने इसका नाम क्या है तो ये हमारे पास में शीशन होता है लेकिन आजकल इसको शिशन लिखते हैं तो कोई बात नहीं मैं ही लिख रहा हूं अभी इसको पीनिस अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं तो देखो एक दो पॉइंट इसके मैंने हटाया नहीं आप वीडियो रोक के जो है इसको चित्र बना सकते हो और एक दो पॉइंट क्या क्या है जो वृषण है ना उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है तीघ लगा के बता दिया अपन ने और फिर क्या कह रहे हैं यह हार्मोन क्या करता है शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण करता है और साथ ही साथ लड़कों में जो यौवनावस्था में लक्षण आते हैं ना परिवर्तन जो आते हैं उनको भी नियंत्रित करता है समझ हमने हमने बाकी सबको लिया था हमने ये नहीं समझा कि भैया जो शुक्राणु के अलावा जो हार्मोन बन रहा है वृषण से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका काम क्या होता है तो इसके दो काम होता है पहला काम होता है कि कितने शुक्राणु बन रहे हैं उसको तय करना दूसरा काम क्या होता है इसका कि भैया जो लड़कों में यौवनारंभ में जो परिवर्तन आ रहे हैं दाढ़ी मुंह छा रही है ऐसे छाती वाती चौड़ी हो रही तो वो सारा का सारा टेस्टोर आवास को फाड़ने वाड़ने का काम इसी का होता है अच्छा उसके बाद और क्या है शुक्राणु का मोचन किससे होता है भैया शुक्रवाहिकाओं से होता है और इन्हीं को हम लोग वास डिफरेंस भी बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलो शुक्रवाहिका बोलो एक ही बात है शुक्रवाहिका कहां से जो जाके जुड़ती है मूत्राशय से आने वाली जो नलकी होती है ना उससे जाकर के जुड़ जाती है और एक संयुक्त रास्ता बना लेती है उभय मार्ग बना लेती है फिर हम कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और जो शुक्राशय है ना सेमिनल वेसिकल इनको इंग्लिश में प्रोस्टेट को हम प्रोस्टेट ही बोलते हैं शुक्राशय है को सेमिनल वेसिकल बोलते हैं ये क्या करती है अपने जो श्राव है वो शुक्रवाहिका में डाल देती है इससे क्या होता है शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है आराम से तैर के जाएगा लिक्विड मीडियम में हो जाता है, और इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है और साथ ही साथ ये जो श्राव है उनको पोषण भी प्रदान करता है खाने को भी प्रदान करता है सिंपल था आप बढ़ सकते हैं अपन फटाफट -फड़ से मादा जनन तंत्र की तरफ टेंशन नहीं लेनी वीडियो को रोकना है देखना है एक तरह से रिविजन करना है हमें इस वीडियो की हेल्प से अब देखो मादा दंत तंत्र को कैसे देखेंगे अपन कैसे बनाना है तो फटाफट फड़ से आप क्या करोगे एक है ना त्रिभुज जैसा आकार बनाना है कैसे टी जैसा बोलूंगा मैं त्रिभुज जैसा भी नहीं टी जैसा आकार हमें बनाना है ऐसे बनाएंगे अच्छा ठीक है फिर क्या करेंगे ऐसे आकर के और यहां तक ऐसे आएंगे इसको डबल कर लो फिर इधर से भी सेम बनाना है अपन को फिर इसको भी डबल कर लो ठीक है फिर क्या करना है हमें ऐसे तीन ऐसे आकृतियां बनानी है। इसको कवर बनाना है ऐसे ऊपर से फिर नीचे से भी हमें एक ऐसा ही कवर ऐसे मान लो बनाना है यहां पे भी बनाना है अच्छा ठीक है फिर क्या करना है हमें तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे ऐसे ये पाइप वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पर हमारे अंडाशय होते ठीक है थीके? तो यहाँ पर अंड कोशिकाएं इन्हीं में रहती अंडाशा है अंडाशय हमें अंडाशय बना रहे हैं अभी तक नहीं बनाया अपन ने बना रहे हैं बस फटाफट फड़ से और यहाँ पे ये बना लेते हैं अपन फटाफट फड़ से अपने अंडाशय उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं अपन तुम लोग के पास तो एग्जाम में एक ही कलर रहेगा मेरे को बड़ा दुख है इस बात का लेकिन चला लेना यार काम अब क्या कर सकते हैं ये थोड़े ज्यादा पास में होते हैं अपने थोड़े दूर बन गए हैं बट काम चला लेना ठीक है ये इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं और हमारे अभी भी स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है फिर इसके आगे हमें अगला स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है यहाँ पर आप यू समझो कि ना एक यहाँ पर हमें अवतल लेंस बनाना होता है इस तरह से है ना ये थोड़ा ज्यादा मैंने लाइन खींची थी यहाँ पे लेकिन वापस करेंगे इसको अपन इस तरह से ला करके ऐसे ऐसे और यहाँ पर सेम हमें यहां पर करना पड़ेगा ये सारे स्टेप्स जो है मैं डिटेल वाले जो डायग्राम मैंने पढ़ाया ना उनमें मैंने सब कुछ ही बताया और हमें असल में फिर ये क्या करना पड़ेगा इन इनको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा वापस से बनाना पड़ेगा देखो कैसे इसको हम लोग ऐसे बनाना होता है और सेम इस वाले स्ट्रक्चर को भी मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा बार बार बनाओगे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही तो ये हमने बना दिया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छा इसमें किस में क्या है तो हमें पांच चीजें इसमें ध्यान रखनी होती ज्यादा नहीं ध्यान रखनी होती फटाफट से देखो यहां पर पांच चीजें कौन सी कौन सी हैं तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं ये है योनि या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वजाइना तो शारीरिक संबंध जब स्थापित होते हैं तो शीशन जो है वो यहां तक आता है और यहां आकर के शुक्राणुओं को छोड़ के जाता है बच्चा पैदा करने के लिए अच्छा ठीक है फिर उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है ना इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा या अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स ठीक है तो ये ग्रीवा है और मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ टी के बारे में तो कॉपर टी जो महिलाएं यूज करती हैं जिससे कि बच्चा पैदा ना हो तो उस कॉपर टी को यही डाला जाता है ग्रीवा पे वो अटकी रहती है और नीचे धागे जैसा कुछ आकृति निकली रहती है उसमें से अच्छा फिर उसके बाद क्या है ये जो अंदर हमारे पास में बैग जैसा स्ट्रक्चर है ना पूरा का पूरा इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय है। क्या बोलते हैं गर्भाशय है, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको यूट्रस क्या बोलेंगे यूट्रस अच्छा फिर क्या है हमारे पास में फिर हमारे पास में दो स्ट्रक्चर और हैं जो हमारे काम के हैं

होता ये है महिला के शरीर में बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है कि भैया देखो जन्म के समय से भाई लड़कों में तो क्या होता है शुक्राणु बनते हैं में बाद में बनना लग जाते हैं महिलाओं के शरीर में भाई बचपन से जब से महिला कोई बेटिया पैदा होती है ना तो उसके गरीब शरीर में अंडाशय में हजारों अंड कोशिकाएं पहले से ही होती हैं अच्छा साहब फिर क्या होता है तो ये जो हजारों अंड कोशिकाएं हैं ये अंड कोशिकाएं एक एक करके हर महीने महीनेारंभ की अवस्था जब शुरू होती है तो होने लग जाती है।, बोला है बड़ी हो गई है बिटिया, तो अंडवाहिका तो अंड मतलब जो अंड को लेकर के रही है उसको बोलेंगे अंडवाहिका तो ये कोशिका यहां से मान लो आती है इस जगह पर आगे मान लो कहीं पर अंडवाहिका में तो अब होता क्या है अगर क्या हो रहा है शारीरिक संबंध स्थापित हो रहा है तो यहां पे शुक्राणु आएंगे यहां पे खूब सारे है ना यहाँ पे आएंगे अब यही यही शुक्राणु से आगे चल के जाते हैं यहां से जाते हैं फिर मान मान लो लो इस, इस इस तरफ तरफ भी भी जा जा सकते सकते हैं हैं तो पर आकर के ये ये शुक्राणु जो है ना इससे मिलते हैं और यहां पर क्या होता है इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन बोलते हैं क्या बोलते हैं निषेचन निषेचन क्या होता है नर युग्मक कोशिका का मादा युग्मक कोशिका से जुड़ना और क्या बनाना युग्मनज बनाना जायगोट बनाना जीवन फलने लगता है वहां एक छोटा एक सा बच्चा बन जाता है हम सब एक दिन ये छोटा सा 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 बच्चा थे, इतना सा, इतना सा बच्चा थे थे इतना इतना फिर आज हम ये जो सामने दिख रहा है ये हैं। कितनी कमाल की बात है ना कितना जादू ही है ये सारा का सारा तो बोले यहां ये जुड़ा वो कोशिका बनी अब वो क्या होती है एक से फिर दो होने लग जाती है दो कोशिका से चार होने लग जाती है उसका विभाजन होने लग जाता है बैक टू बैक और वो कोशिका हल्की हल्की सी बड़ी हो जाती है और वो यहां से आकर के थोड़ी और बड़ी हो जाती है और इस भित्ती में आकर के धंस जाती है अब ये जो महिला का जो शरीर होता है ना वो इतना कमाल का बनाया हुआ होता है मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि हर महीने है ना वो तैयारी करता है कि क्या पता बच्चा पैदा हो और छोटा सा बालक यहाँ पे आकर के रहे नौ महीने तक गर्भ में तो उस तैयारी के लिए फिर क्या होता है यहाँ पे खूब सारा खून इकट्ठा हो जाता है बाकी कुछ इकट्ठा हो जाता है रक्त तो वगैरह खूब सारा यहां पर इकट्ठा हो जाता है समझ रहे हो आप इस बात को तो ये यहां पर आकर के इसमें इसमें ये धंस जाती है कोशिका जो विभाजित हो गई ना इतनी सारी कोशिका से बड़ा सा थोड़ा सा भ्रूण अब हम उसको बोल सकते हैं थोड़े समय में कि वो भ्रूण बन जाएगा इतना बड़ा बन जाएगा कुछ फिर उसको यहीं से ही खाना पीना मिल रहा होता है सब कुछ मिल रहा होता है और उस आकृति को मैं अभी बताऊंगा आगे प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग तो वो प्लेसेंटा से वो बच्चा बड़ा होगा 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 फिर इस गर्भाशय में पूरा बड़ा हो जाता है नौ महीने बाद उसके हाथ पैर मुंह सब दिखने लग जाते हैं और वो फिर पैदा होता है तो वो उसी इतने से मार्ग से पैदा हो जाता है ये फिर अपने आप में और दूसरी जादु बात है इतनी सी जगह से ये बच्चा जो है पैदा हो जाता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अच्छा ठीक है तो आप समझो इसके बाद में एक छोटी सी चीज समझानी ये तो मैंने आपको बता दिया कि यार बच्चा कैसे पैदा होता है लेकिन अब पॉइंट इज कि अगर मान लो कि ना यहाँ पे ये जो हमने बनाए हैं शुक्राणु ये आए ही ना है ना जरूरी तो है नहीं कि यौवनावस्था होते ही शुक्राणु आ जाएंगे भाई इसको नहीं मिटाना था मेरे को लेकिन चलो मैं फिर बना देता हूं तुरंत से लेकिन ठीक है तो जरूरी नहीं है कि क्या हो कि अंड कोशिका आए और यहां से शुक्राणु भी आए लेकिन मां का शरीर तो ऐसा ही है ना कि वो तो हर महीने तैयारी कर रहा है यहां पे खून वून सारा का सारा ऐसे पूरी की पूरी भित्ती बन जाती है यहां ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है इस जगह पे पूरा ऐसे दीवारों में थ्री में सोच करके देखो कि भाई बच्चा आएगा उसको खाना पीना देंगे तो उसके लिए तैयारी अभी से ही करो तो ऐसा होता ही है मां के शरीर में तो लेकिन अब क्योंकि यहां पे क्या हुआ निषेचन तो हुआ ही नहीं बच्चा तो बना ही नहीं तो ये अंड कोशिका क्या आगे आएगी और इस शरीर को पता चल जाएगा कि यार ये खून वून जो इकट्ठा किया अब अभी किसी काम नहीं आएगा तो ये सारा जो खून वगैरह है ये सारे को बूंद बूंद करके ये शरीर जो है बाहर निकालने लग जाता है ये ऐसे यहां से ये बूंद बूंद करके रिस रिस करके पूरा बाहर आने लग जाता है और इसी अवधि को या इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं या रजोधर्म या माहवारी इसको हम लोग बोलते हैं समझ में आ रही है आपको मेरी ये वाली बात आनी चाहिए समझ में और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि टीवी पर वो एडवर्टाइज आता है ये नेपकिन खरीदो वो नैपकिन सैनिटरी पैड या महिलाएं जो कपड़ा काम में लेती हैं या ये सब कुछ खरीदो ताकि वो अपने यहाँ नीचे पहन लेंगे तो क्या होगा वो जो खून रिस रहा है बूंद 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 होकर के वो पूरा का पूरा वो सोख लेता है फिर उसको कहीं डाल दिया जाएगा समझ रहे हो कितना दुविधा वाली बात है ये और ये हर महीने होता है आज नहीं कल नहीं मतलब ये हर महीने हो रहा है यार ये बड़ी बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है इतनी सारी जो खून है इतना सारा जो ना म्यूकस उसके साथ में है उसके साथ में वो पूरा निकल जाता है इकट्ठा होकर वो कितना ऊर्जादायक है लेकिन वो महिला की इतनी सारी ऊर्जा जीवन में उसमें प्रोसेस में चली जाती है तो इसी को हम लोग महावारी या रजो दर्शन या रजो धर्म कहते हैं रजो दर्शन उसके शुरू होने को बोलते हैं तो अब देखो इसको समझ लेते हैं फटाफट से तो यहाँ पे क्या है अंडाशय का जो काम होता है वो क्या होता है एक तो हमको पता है कि यार अंड कोशिका का निर्माण होता है लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंडाशय का एक और काम होता है अच्छा एक और काम क्या होता है दो हार्मोन बनाना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट दो हार्मोन बनाता है कौन अंडाशय दोनों हार्मोन बनाता है समझ में आ रही है आपको वाली बात अंडाशय दोनों हार्मोन बनाता है अब ध्यान से सुनना जैसे हमारे शरीर में लड़कों के शरीर में क्या था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था तो यहां पे क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें से जो एस्ट्रोजन है ना उसका काम क्या होता है यहां यह रहा एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में किशोरावस्था के समय आने वाले जो परिवर्तन है जो गुणधर्म है उनको नियंत्रित करता है और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो किसमें हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन गर्भ धारण करने में सहायता करता है बच्चा पैदा जब होता है तो यही हार्मोन स्त्री की सहायता करता है फिर अगले पॉइंट में हम यही कह रहे हैं कि लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशयों में हजारों अंडकोशिकाएं पहले से ही विद्यमान होती है है ना बहुत सारी प, बहुत सी पतली हमारे पास में ये जो है ना बहुत सारी नहीं दो ही होती है महीन का है, ट्यूब्स वो उस अंड कोशिका को लाने का काम करती है कहां तक है तक गर्भाशय अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट ये प्लेसेंटा की बात दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को देखो ये उसी गर्भाशय में वो इतना खिंच जाता है ये महिला का हमें बैली का रीजन दिखाई दे रहा है जहां से ऐसे ना बच्चा आगे है ऐसे उल्टा है और ये इतनी सी जगह से बच्चा पैदा होता है तो ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा

और ये जानवरों में भी होता है ये प्लेसेंटा तो ये देखने वाली बात है तो अब सुनना यहां पर प्लेसेंटा क्या है तो प्लेसेंटा भ्रूण को जो है क्या देता है पोषण देता है तो यहां पर हमने ये लिखा है भ्रूण को प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर से क्या मिलता है पोषण मिलता है फिर हम कह रहे हैं तश्तरी नुमा संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है तश्तरी नुमा संरचना जो गर्भाशय की कहां पर होती है भित्ति में धसी हुई तश्तरी लग रही है ना ये और ये कहा है गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई है फिर उसके बाद हम कह रहे हैं इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं तथा तो मां की ओर के उत्तक में रक्त स्थान होते हैं इसमें भ्रूण की ओर अगर हम देखेंगे ना तो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं ऐसे कुछ करके जो उस भ्रूण को क्या पोषण देने में सहायता करते हैं और मां की तरफ क्या होते हैं रक्त स्थान होते हैं जिसमें काफी सारे यू नो ब्लड स्पेसिस ऐसे पोषण वाली चीजें हमें वहां देखने को मिलेंगी और क्या कह रहे हैं ऑक्सीजन यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज है ना ऑक्सीजन और क्या क्या देता है

तो ये सारा कचरा वचरा जो है ये यहां से इसी कॉर्ड से उगर के जाएगा प्लेसेंटा से उगर के मां के शरीर में और फिर वो मां के तंत्र से जो है बाहर निकलेगा ऐसा होता है तो मतलब केवल बच्चे को पोषण पोषण नहीं मिलता बल्कि उसका कचरा वगैरह भी अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आए हैं क्या है अच्छा सेकंड लास्ट टॉपिक रजुधर्म या महावारी फिर एक छोटा सा टॉपिक और है तो ये मैंने आपको बता दिया था अंडाशय क्या करता है हर महीने अंड का मोचन करता है अंड कोशिका का मोचन करता है मतलब उसको बाहर निकालता है तथा निषेचित अंड की प्राप्ति के लिए गर्भाशय भी तैयारी करता है कि भैया खून खून इकट्ठा कर लेता है कि भैया बढ़िया से वो आएगा बच्चा तो उसको बड़ा करेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे उसको तो उसकी भित्ती है गर्भाशय की वो कैसी हो जाती है मांसल ऐसे मांस जैसा इकट्ठा हो जाता है वहां पे और स्पंजी हो जाती है ना उसमें खून है और बाकी सारी चीजें भी है वहां पे अगर निषेचन ना हो तो है ना बच्चा बने ही ना तो क्या होगा ये जो परत है ये धीरे धीरे टूट करके योनि के मार्ग से बाहर निकल जाती है ठीक है और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म या पीरियड या मेंस्ट्रुएशन हम लोग इसको बोलते हैं और ये एक साइकिल होता है हर महीने होता है तो इस चक्र में लगभग एक महीने का समय लगता है तथा इसे रजोधर्म कहते हैं इसकी अवधि लगभग कितनी होती है दो से आठ दिनों की अवधि होती है और फिर अगले महीने होता है फिर दो से आठ दिन फिर अगले महीने अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है काफी सारी स्त्रियों को काफी दर्द होता है इसमें काफियों को कम होता है काफियों को नहीं होता है जिनको होता है मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं ऐसे कुछ एक योगासन है थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखना होता है और कुछ एक तरह का हमें पानी गर्म करके और पीना होता है कुछ एक तरीके हैं जिनसे अगर किसी लड़की को किसी बिटिया को हमारे दर्द अगर ज्यादा होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर तो उस दर्द को कम किया जा सकता है आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पवित्रा पवित्रा तो आप नेट पर ढूंढ सकते हो जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर है उनकी संस्था ने चला रखा है तो वो जो बेटियां हमारे देश की उनको सिखाते हैं वो योगासन वगैरह वो वहाँ पे मैम टीचर ही होता है मैम वो सारा लड़कियों के लिए ही होता है मुझे तो पता भी नहीं कि उसमें क्या होता है लड़कियां ही वहाँ पे बड़ी टीचर्स जो होती हैं वो सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को या जो भी सीखना चाहें उन सबको तो आप लोग जब भी चाहो उनसे जुड़ सकते हो इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको उनके बारे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मिल ठीक है बढ़े बढ़े आगे बड़ें। तो लास्ट टॉपिक क्या हमारे पास में जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसमें मैं आपको सच बताऊं ज्यादा कुछ बता नहीं रखा किताब में बस बोल रखा है कि ना यौन क्रियाओं से खूब सारे रोग हो सकते हैं अच्छा कौन से कौन से रोग हो सकते हैं जैसे कि है ना जीवाणु से होने वाले बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो सकते हैं गोनेरिया हो सकता है और सिफलिस हो सकता है मतलब कोई शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा है ऐसे ही सोच के कि भैया मजे करेंगे तो पता चले कि उनको बीमारियां होगी गोनेरिया हो गया सिफलिस हो गया या वायरस से भी संक्रमण हो सकता है जैसे मस्सा हो सकता है वायरस से होता है और वार्ड सॉरी मस्से को ही वार्ड बोलते हैं और दूसरा क्या है एच एड्स आप सब ने टीवी पर सुना होगा तो एच एड्स इस तरह से फैलता है एच आई एड्स हाथ मिलाने से गले मिलने से नहीं फैलता एच एड्स इस तरह से फैलता है शारीरिक संबंध स्थापित करने से अगर एक इंसान को है तो वो दूसरे इंसान को भी हो जाता है अच्छा फिर इसके बाद क्या है यौन क्रियाओं से ज्यादा खतरा किसको होता है महिला को होता है क्यों क्योंकि वो गर्भ धारण भी हो सकता है फिर उसके लिए मेंटल प्रेशर भी हो सकता है कि बच्चा पालना बच्चा पैदा करना बहुत आसान काम नहीं होता है ना और इसके अलावा अगर कोई महिला अगर मान लो गर्भ से है मतलब उसके ऑलरेडी उसके पास में बच्चा है अंदर गर्भ में तो उस बच्चे को भी बीमारियां होने का खतरा रहता है तो महिला की जान को ज्यादा खतरा रहता है अब फाइनली लास्ट टॉपिक है हमारा गर्भ रोधी तरीके भाई हमारी दुनिया में लोग क्या चाहते हैं उनको लगता है कि ये जो प्रोसेस है ना शारीरिक संबंध स्थापित करने वाला ये बहुत ज़्यादा मोहक प्रोसेस है हम टीवी में हम फिल्मों में यही देखते आए हैं कि बस लड़का लड़की मिल रहे हैं मैं दीवानी हूँ दीवाना हूँ है ना हम पागल हैं तुम पागल हो मतलब वो बड़ा गाने वाने गा रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो ये क्या किस लिए कि भाई वो क्या कर सके शारीरिक संबंध स्थापित कर सके और बच्चा पैदा कर सके इसलिए हो रहा है वो सब कुछ तो अभी क्या होगा कि वो शारीरिक संबंध तो स्थापित करना चाहते हैं उनको लगता है कि बहुत मजेदार प्रोसेस है लेकिन फिर वो सोचते हैं यार बच्चा पैदा हो जाएगा और बच्चे को हमें संभालना नहीं तो फिर बच्चा नहीं पैदा करने के लिए हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं अभी तुमको पता ही है कि हमारे देश की जनसंख्या हमारे देश की क्या पूरी दुनिया की बोल देता हूँ आठ करोड़ हो गई होगी ऑलमोस्ट 800 करोड़ है भाई 800 करोड़ हमारे भारत देश की बात करूं तो आजादी के टाइम के पहले अगर हम आज 100 साल पुरानी बात करें तो हम लोग 33 करोड़ 35 करोड़ थे और आज हम 130 करोड़ हो गए तो भाई हम 100 करोड़ ज्यादा हो गए तो गर्भ निरोध की तो जरूरत है भी भले वो मानसिक स्तर पर या इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई ना समझे कि या यौगिक स्तर पर कि ये केवल एक बच्चे पैदा करने का तरीका है प्रजनन जो है वो एक बच्चा करने की विधि है लेकिन है ना लोगों को तो क्या है कि वो लगेगा कि वो अच्छा प्रोसेस है वो करना चाहिए सबको लेकिन बच्चा नहीं चाहिए तो फिर बच्चा नहीं चाहिए तो उसके क्या तरीके हैं वो हमको किताबों में दिखा रखें अच्छा पहला तरीका क्या है हमारे पास में यांत्रिक अवरोध टीवी में बहुत एडवर्टाइज सुनते हो तुम लोग है ना वो फिल्म स्टार भी हैं कुछ एक जो उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं बोलते हैं क्वाडम कम लो है ना मेडिकल पे जाओ तो पूरी ऐसे दीवार ऐसे खोलो गेट मतलब उनके जाते ही बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए मिलेंगे पूरा ऐसा, ऐसा रखे हुए मिलेंगे वहां पर ऐसी तस्वीरें होती हैं कि अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ में मतलब मैंने तो ऐसा देखा है मेरे घर पे कि मेरे पापा बैठे हैं और क्या हो रहा है कि ना पापा ने टीवी चल रही है और उस पर ना अचानक से कोई आ, हमारे जो एक बहुत ही फेमस मैं नाम नहीं लूंगा उनका कोई एडवर्टाइज आ गया कॉन्डम के लिए फिल्म स्टार जो है तो पापा तुरंत टीवी तो कर देते हैं। <laughs> या फिर चैनल चेंज कर देते हैं क्योंकि वो दृश्य है ना वो चाहते नहीं कि हम लोग देखें वो चाहते हैं कि हम अपने आप समझ जाएं अपने आप सीख लें या जो भी है वो ऐसी बात होती ही नहीं है सही बात है ना तो बोलते हैं कौंडम लो या योनी में रखने वाली अनेक युक्तियां मतलब असल में पुरुषों के लिए भी कौंडम आते हैं और स्त्रियों के लिए भी कौंडम आते हैं ऐसा मैंने सुना है ना स्त्रियों के लिए भी आते हैं मुझे नहीं पता बट ऐसा मैंने सुना है तो कह रहे हैं कि कॉन्डम अथवा योनी में रखने वाली युक्तियां ये अवरोध पैदा कर देते हैं इससे क्या होगा कि बोले शारीरिक संबंध तो स्थापित होगा और फिर लेकिन क्या होगा शुक्राणु और जो कोशिका है दोनों मिलेंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा और लोग तो यही चाह रहे कि बच्चा पैदा ना हो बाकी जो होना हो जाए बाकी बच्चा पैदा ना हो ठीक है दूसरा क्या है उपयोग उपचार वो है कि महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलन के लिए परिवर्तन करने के लिए दवाएं खा लो वो ये भी टीवी में ऐड आता है कि पिल खा लो सरकार ने भी चला रखा है ये तो तो भाई सरकार तो चाहती है कि जनसंख्या तो कम हो कम कम से कम क्योंकि संसाधन तो सीमित है हमारे पास में तो वो पिल खा लो तो उससे क्या होता है शरीर में हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाएगा जैसे टेस्ट्रोस्टिरोन है ना उसके संतुलन को चेंज कर देंगे तो सॉरी एस्ट्रोजन महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है नहीं होता तो उससे क्या होगा अंडकोशिका का मोचन नहीं होगा निकलेगी नहीं तो अगर शारीरिक संबंध स्थापित कर भी लेंगे तो क्या होगा कि भैया गर्भ धारण नहीं होगा लेकिन है ना ये दोनों विधियों में गड़बड़ है जैसे इसमें अगर मान लो अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो क्या इससे ये गारंटी है कि ना कोई बीमारी नहीं होगी नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं है बीमारी तो हो सकती है महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्मोन के संतुलन को जो प्राकृतिक चीज है उसको अगर आप बदलने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी भी रिस्क हो सकती है किताब में लिखा हुआ है डिटेल वाले लेक्चर में बताया कि प्रॉब्लम्स भी क्या क्या हो सकती है फिर तीसरी विधि क्या है हमारे पास में कुछ अन्य युक्तियां आती है हमारे पास में जैसे कॉपर टी आती है लूप आती है ऐसे ऐसे कुछ हमारे पास में युक्तियां हैं जिनको गर्भाशय में स्थापित करते हैं हम लोग जाकर के ऐसे गर्भाशय मैंने बताया था ना ऐसे ले जाके कुछ रख देते हैं कॉपर की टी होती है और वो कुछ ऐसी होती है कि अगर शुक्राणु जाते हैं ना तो वो शुक्राणु मर जाते हैं उसके पास जाते हैं तो आगे नहीं जा पाते गति नहीं कर पाते तो उससे लेकिन यहां पे फिर वही बात आ जाती है कि महिला के शरीर में आप कुछ जाके लगा रहे हो कुछ ऐसा भाई अपने शरीर में ही अपन कुछ जाके लगा लें तो कैसा लगेगा अपन को कि यार ये मतलब मतलब कुछ भी इरिटेशन हो सकती है वहां पे कुछ और घाव वाव हो सकता है कुछ और समस्या भी हो सकती है तो ये इसमें समस्या है फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में शल्य क्रिया पुरुषों की शुक्रवाहियां काट दो नसबंदी करवा दो ऐसा पहले होता था हम दो हमारे दो नसबंदी करवाएं और ऐसा ऐसा टीवी पे मैं बचपन में देखता था दूरदर्शन पे एड आते थे सरकार की तरफ से भाई जनसंख्या कंट्रोल करो और जो जो ऐसा करते थे ना पुरुष उनको वो सौ दो सौ रुपया पांच सौ रुपया भी देते थे गिफ्ट सरकार की तरफ से कि यार तुम बस बच्चे पैदा मत करो इसकी नसबंदी काटो फ्री में काटो सरकारी हॉस्पिटल में इसको बच्चे पैदा मत करने दो बस ठीक है फिर महिलाओं में भी ऐसा होता है कि महिलाओं की अंडवाहिनी जो है ना उन्हीं को काट देते हैं और बांध देते हैं तो अंड कभी भी गर्भाशय तक आ ही नहीं पाएगी अंडकोशी का तो बस हो गया काम यहां पर ये शल्य क्रिया हो गई ऑपरेशन से लेकिन ऑपरेशन आप समझ रहे हो ना लॉन्ग टर्म में अगर सही हो गया तो ठीक है लेकिन अगर गड़बड़ हो गई ऑपरेशन में तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी परेशानी हो सकती है जीवन भर के लिए वो परेशानी एक इंसान के साथ में रह सकती है बल्कि इसके अलावा कुछ एक ऐसी दवाइयां भी आती है जिनके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो दवाइयों से स्पर्मिसाइड्स जैसे उनको बोलते हैं कि स्पर्म मर जाते हैं शुक्राणु ही मर जाते हैं उससे तो वो भी किसी तरह से लगाने होते हैं अभी यहां पे क्या है गर्भपात पांचवी वैसे ये ना गर्भ निरोध के तरीके तो चाह रही है गर्भपात पांचवा है कि अब मान लो सब कुछ तुमने कर लिया लेकिन फिर भी गर्भ धारण हो गया मतलब बच्चा है अभी गर्भ में तो फिर क्या होगा शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटा दो डॉक्टर ऑपरेशन करके उस गर्भ को बाहर निकाल देगा उस शल्य क्रिया से करके और लेकिन ये जो है ना ये भी एक फिक्स्ड टाइम तक ही हो सकता है जैसे 22 हफ्ते तक ही संभव है गर्भ धारण के अगर 22 हफ्ते बाद हम लोग बोलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता होता भी है तो माँ के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है डॉक्टर्स इसको एडवाइज नहीं करते डॉक्टर्स ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि बाईस हफ्ते से पहले पहले आप करवा लो गर्भ पात तो वो बच्चे को मार बहुत कॉमन हो गई हम टीवी में आप सुनते हो ना अबॉर्शन 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 मार दो मार दो मार दो मतलब सरकार ने लाइसेंस वाइसेंस दे रखे हैं सब लोगों को कि बोले हाँ ठीक है कोई आ रहा है अगर बच्चा है मेरे पेट में खत्म करो उसको छोटा है अभी उसको खत्म करो बोले हाँ ठीक है खत्म कर देंगे उसको निकाल देते हैं कचरा वचरा सारा ऐसे कोशिकाएं वोशिकाएं उसको फेंक दो खत्म बात फ्री हो गया ऐसा तो ये गर्भ निरोध के तरीके हैं अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे तो बढ़ रहे हैं आगे क्या यार थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर और बाकी अपना सफर बड़ा यू नो होता जा रहा है, होता जा रहा है। आप लोगों को कुछ भी चाहिए ऐसे नोट्स ये सारे के, सारे के वन शॉर्ट्स आने वाले हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं उसके लिए भी आप बिल्कुल <coughs> <coughs> चिंता मत करो निश्चिंत रहो जाके पानी पीता हूँ थोड़ा सा बोल बोल के बोल बोल के ही आ गया एकदम आप अच्छे से पढ़ो अच्छे से मार्क्स लाओ और इन सबसे ऊपर क्या है अच्छा ज्ञान अर्जित करो जो आपको मुक्ति दिलाए मतलब मुक्त करे हर चीजों से ना आपको आगे की तरफ ले जाए जैसे अपन बोलते हैं ना असत्य से सत्य की ओर हमें ले जाए ऐसा बचपन में बोला होगा आपने असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु मा मृत्युर्मा अमृतम गमय है ना तो ऐसा हम बचपन से कहते आए हैं कि हम मृत्यु से अमृत की तरफ जाएं हम है ना अच्छे ज्ञान की तरफ जाएं ये किताबों में जो हम पढ़ रहे हैं ना ये तो बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है ये कतई ज्ञान भी नहीं है है ना ये तो बस हाँ एक फिजिकली क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ वो समझने के लिए कोई नौकरी दिलाने के लिए हमको बहुत जरूरी है बाकी इससे ज़्यादा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है हमें सच में अच्छा ज्ञान मिले ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ आशा करता हूँ बाय बाय थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना हम सबको और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में